तो कंटिन्यूस है. तो इसमें हु इज द वॉलंटियर फॉर टुडेज डिस्कशन? मैडम, मैं डॉक्टर साइमा. जी डॉक्टर साइमा. तो इसमें कोई केस सिनेरियो आप बताओगे हमें या क्या? मैडम, एक्चुअली मैंने ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किया है. सिनेरियो मेरे ओके ठीक पास है. चलो आपको फर्स्ट किया, एक ये क्वेश्चन आता है कि आपके डिपार्टमेंट में एक ऑडिट होता है जिसमें सिजेरियन सेक्शन इज फाउंड टू बी क्वाइट रेस्ड अप टू 45%. तो जी मैडम. उस पे आप एक, बल्कि ऑडिट नहीं, आप ये नोट करते हैं आपने जो डिपार्टमेंटल आपका रिव्यू है उस पे आप ये यू फाइंड आउट के जो आपका डिपार्टमेंटल सिजेरियन सेक्शन है वो आपका इतना है. नाउ यू हैव टू कैरी आउट क्लिनिकल ऑडिट. और अब ऑडिट के हम प्रोसेस में नहीं जाएंगे, यानी लेटरल डिस्कशन में जो टॉपिक्स आते हैं वो हम उनको छोड़ देंगे. तो हाउ यू विल एनालाइज द रीजंस एंड व्हाट विल बी द स्ट्रेटजीज टू एंड हाउ यू विल डिवाइस व्हाट स्ट्रेटजीज यू विल डिवाइस टू रिड्यूस द सिजेरियन सेक्शन रेट एट योर इंस्टीट्यूट. एक्चुअली मैडम, वी नीड टू फॉलो सम सेट स्टैंडर्ड्स इन विच वी हैव WHO रॉबसन्स क्लासिफिकेशन फॉर सी सेक्शन विच व्हाट आर वॉज द इन. अदर अदर मेथड्स टू रिव्यू द सिजेरियन सेक्शंस? एक तो रॉबसन क्लासिफिकेशन, तो एक साइंटिफिक मेथड या मतलब मोर एविडेंस बेस्ड मेथड तो है ही है, लेकिन कोई और भी होते हैं जिससे हम अपने डॉक्यूमेंटेशन करते हैं. जैसे हम जब बात कर रहे होते हैं अपने ऑडिट्स में, ये हमारे डिपार्टमेंटल ऑडिट्स होते हैं, यानी बेसिकली डेटा रिव्यू, या आप इसको समझ लो कि डेटा रिव्यू जो होता है वो उसमें ये होता है कि हमने पिछले एक महीने में क्या कुछ किया और क्या था हमारा, दैट इज ओवरऑल अ रिव्यू ऑफ द डेटा. इतने सिजेरियन सेक्शन थे, इतनी नॉर्मल डिलीवरीज थी, तो उस पे आपको पता चला कि सिजेरियन सेक्शन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी रेट 45% पे सेक्शन रेट चला गया. दिस इज क्वाइट एन अलार्मिंग फिगर. तो इससे जी आप उसमें उसको मजीद एनालिसिस की तरफ जाते हैं. तो किसी और तरीके से भी आप इसको डॉक्यूमेंट करते हैं इन योर पेपर्स, इन योर रजिस्टर्स और HIMS मैडम, सिस्टम? अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन, अकॉर्डिंग टू अर्जेंसी वी क्लासिफाई टाइप्स ऑफ सिजेरियन सेक्शन लाइक टाइप ठीक है. 1 इन विच इमिनेंट डेंजर टू मेटरनल और फीटल लाइफ, एंड टाइप 2 इन विच वी कैन डिले बट नॉट नॉट मच, एंड टाइप 3 इज फॉर वी तो टू. बेसिकली हम इसको हो सकता है ये मतलब ये भी एक तरीका है कि कैटेगरी 1, 2 एंड 3 वो आप कर लो, लेकिन अमूमन हम इसको इमरजेंसी और इलेक्टिव के तौर पे लिखते हैं बेस्ड ऑन द अर्जेंसी ऑफ दैट सिचुएशन. तो अमूमन ये इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन है या ये इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन है, ये हमारी एक एक क्रूड सी क्लासिफिकेशन होती है. तो ये भी उसका एक तरीका है. यस मैडम. अच्छा, तो व्हाई वी फेल्ट द नीड टू डिवाइस दिस सिस्टम, रॉबसन क्लासिफिकेशन जो है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? इसको मतलब एक्चुअली तो हमेशा से लिख. एक्चुअली यस मैडम. एक्चुअली मैडम, ड्यू टू द इंक्रीजिंग रेट ऑफ सिजेरियन सेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड, WHO कंसिडर्ड टू फॉर्मुलेट अ क्लासिफिकेशन और क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू विच वी विल डिवाइड ऑल द पेशेंट ओके ऑल द सिजेरियन सेक्शन. क्या टू ये जो WHO वाज द फर्स्ट वन टू डिवाइस दिस मेथड, या इससे भी पहले ये चल रहा था सिलसिला? मैडम, मुझे WHO का पता है और आई डोंट नो. ओके, बेसिकली दिस वाज डिवाइस्ड बाय, इनिशियल जो इसका कंसेप्ट था वो रॉबसन से नहीं किया, जिसके नाम पे, देखो जो भी नाम होता है ना किसी प्रोसीजर का, इंस्ट्रूमेंट का, वो मोमन उसके नाम पे ही होता है जिसने उसको डिवाइस किया होता है. तो ये जी 2001 में हुआ था. लेटर अप इट वाज एंडोर्स्ड बाय WHO कि ये एक बहुत प्रैक्टिकल और इफेक्टिव मेथड है जिसमें हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, और 2016 में फिगो ने भी इसको एंडोर्स कर लिया. ठीक यस है, मैडम. ठीक है, चले फिर. यस मैडम. आगे बेटा आगे बताइए. तो WHO ने ये डिवाइस किया ऑन व्हाट बेसिस, क्या इसके क्लिनिकल इंडिकेटर्स क्या हैं, पैरामीटर्स क्या हैं,
how we categorize or classify the patients according to this. Madam, there are 10 groups in this classification, and there are 6 parameters according to which we divide all these groups. And those parameters are, number one is parity, whether the patient is nulliparous or multiparous, and the presentation of the fetus, number of fetuses, gestational age, whether the baby is term or preterm, and the status of labor, induced or spontaneous, and whether there was any previous cesarean section. These are 6 variables according to which we divide. And the fetal lion presentation. Wo bhi yes, sir. Yes, sir. Achha, theek hai. ठीक है, ये हैं जो वेरिएबल जिसको हम जिस पे हम प्लॉट करते हैं. एंड व्हाट एल्स? मैडम, एंड नंबर 11 इज द अनक्लासिफाइड वन, इन व्हिच वी वी कांट फाइंड एनी क्लासिफिकेशन एंड वी पुट द पेशेंट इन द नंबर 1 11 ग्रुप. बेसिकली ये मेन ग्रुप इसके 10 ही होते हैं, क्योंकि जितने भी आप सिजेरियन सेक्शन करते हो वो सारे के सारे इन 10 ग्रुप्स में फिट हो जाते हैं. तो इसमें कोई ऐसा होता नहीं है कि जिसमें हम 11 पे लेके जाएं. अमूमन ये 10 ग्रुप क्लासिफिकेशन ही कहलाती है. ठीक है, अच्छा. और एंड मैम, इसकी यूटिलिटी या यूं समझो कि इंटरप्रिटेशन कैसी होती है, हम इसको कैसे करते हैं, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी एंड हाउ वी इंटरप्रेट इट. मैडम, हाउ वी डिवाइड इनटू ग्रुप्स, आई नीड टू टेल दैट मैडम. Madam, I want to make it a little simplified, like the way all pregnant women with multiple pregnancy, they will lie in group 8. Okay, ठीक है. All pregnant women with transverse lie, they come in group 9. All Okay. breech, which are multiparous, they are group 7. Breeches nulliparous, group 6. All preterm into group 10. And then I need to madam, 5 groups reh gaye. 5 groups ki hum usko is tarike se kar sakte hain ki ek multiparous ke ban jayega subheading aur ek nulliparous ki. Jo nulliparous hai, it comes in which comes with spontaneous labor, it is 1. Which ठीक है. comes for induced labor or for pre-labor C-section, it is group 2. And ठीक है. in multiparous, if the spontaneous labor, it's group 3. If induced labor or pre-labor C-section, it's group 4. And if there is previous C-section, it's group 5. So the group And 5 will cater both nulliparous and multiparous, you want to say that? Actually, madam, in group 5, if the patient is nullipara, she can't be in group 5 because it means she had previous. ठीक है, Yes, yes, madam. ठीक है, ठीक है, बताते जाइए. If a patient is nulliparous, that how it can be in group 5, like she hadn't ever experienced any cesarean section. So group 5 is only for multiparous. ठीक है, ओके Yes, ओके, ma'am. ठीक है. अच्छा, तो अब इसमें ये तो हो गए जो हमने डिफरेंट ग्रुप्स में हमने पेशेंट्स को डिवाइड कर दिया. मल्टी पैरा इसमें आएगी, नरी पैरा इसमें आएगी, इंड्यूस्ड इसमें आएगा, स्पॉन्टेनियस इसमें आएगा, एंड जो मेल प्रेजेंटेशंस है वो इसमें आएगा. सो बाय एंड लार्ज वी नाउ नो के इसमें किस ग्रुप में कौन से पेशेंट है. अब इसकी यूटिलिटी कैसी है, मतलब मेथोडोलॉजी जो है वो कैसी है, मतलब आपका अपना ही जो है डिपार्टमेंटल का सिजेरियन सेक्शन रेट 45% पे चला गया. अब आपने इसको सॉर्ट आउट करना है कि ऐसा क्यों है और इसके लिए हम क्या ऐसी तदबीर करें कि जिसमें ये सेक्शन रिड्यूस करने के लिए कुछ हम चीजें डिवाइस कर दें. मैडम, इसमें जो ये हमारा ये ग्राफ है, जो ये चार्ट है, वी डिवाइड इट इनटू 5 कॉलम्स. इन फर्स्ट कॉलम वी हैव 10 ग्रुप्स ऑफ दीज पेशेंट्स व्हिच आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड. एंड इन सेकंड कॉलम वी राइट डाउन द नंबर ऑफ सिजेरियन सेक्शन डन इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप डिवाइडेड बाय द टोटल वुमेन एडमिटेड इन दैट ग्रुप. ओके,
And in third column, size of each group, which is calculated. मैडम ये थोड़ा सा मुझे भूल है. साइज ऑफ साइज ईच ऑफ ग्रुप, ग्रुप, साइज ऑफ ईच ग्रुप नहीं देखो, नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूट. पेशेंट, सपोज आपने एक एक महीने में कोई 300 सेक्शन किए, 300 में से आपको पता चला कि जो ग्रुप टू के हैं, ग्रुप टू में तकरीबन आ जाते हैं कोई 150 पेशेंट, तो ये हो गया नंबर ऑफ पेशेंट, 150 पेशेंट्स आ गए, ठीक है। यस अब मैडम, 150 पेशेंट की जो परसेंटेज है वो आपने निकालनी है बाय डिवाइडिंग इट विद द टोटल नंबर ऑफ द पेशेंट हु अंडरवेंट सिजेरियन सेक्शन। सो दिस विल बी द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर सिजेरियन सेक्शन रेट। यस सपोज मैडम, ये आ जाती है 35%, ठीक है, राइट राइट 35% या 30% आप कह रहे हैं, तो 30% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन टू योर टोटल सिजेरियन सेक्शन रेट वुड बी बाय ग्रुप टू। और हमें पता है कि ग्रुप टू में कौन से पेशेंट आते हैं। अब ग्रुप टू में जो एक नली पैरा पेशेंट है, सिंगल है, मोर देन 37 वीक्स है, जिसमें 2A में आपने इंडक्शन ऑफ लेबर की, 2B में आपने सिजेरियन सेक्शन उसका है जो बिफोर लेबर स्टार्ट्स वो किया, तो अब हमने ये देखना है कि ये वाला ग्रुप जिसमें इंडक्शन ऑफ लेबर हमें करनी पड़ी या जिसमें प्री लेबर सिजेरियन सेक्शन का रेट ज्यादा था, अब हमने इसके लिए स्ट्रेटजी डिवाइज करनी है। अब यस इंडक्शन मैडम, लेबर पे हम फोकस करेंगे कि इंडक्शन ऑफ लेबर कहीं यस ऐसा तो मैडम, नहीं अननेसेसरीली हमारे डिपार्टमेंट में हो रही हो, ठीक है। और यस प्री मैडम, लेबर यस मैडम, सिजेरियन सेक्शन की वजह क्या थी, क्या कोई ऐसी प्री एग्जिस्टेंट मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं था जो कि जैसे बाल दफा ऑलिगोहाइड्रामनियोस होता है, IUGR होता है, जिसपे बाल दफा हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन ही कर देते हैं प्री लेबर, तो क्या हमें उन यस मैडम, इंडिकेशन को रिव्यू करने की जरूरत है। वी नीड टू रिव्यू दोज इंडिकेशंस एंड वी नीड टू डिवाइस सम स्ट्रेटजीज। ये इसका जो फॉर्मूला है कि हमने पेशेंट का देखा कि ये ग्रुप वन है और उसमें जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं और उसकी परसेंटेज है, दिस इज द थ्री कॉलम्स बेसिकली, जो कि इसमें बहुत ज्यादा लंबे चौड़े कॉलम्स की जरूरत नहीं होती। इसमें यही यस हमें मैडम, चाहिए होती है कि ये वाले मरीज कितने मरीज किस ग्रुप में फॉल किए और हर ग्रुप में एक टोटल कितने पेशेंट थे और उनकी परसेंटेज क्या थी। बस ये तीन चीज है, ठीक है। तो यस उससे मैडम, पता चल जाएगा कि कौन से ग्रुप ऑफ पेशेंट जो हैं वो ज्यादा हम सिजेरियन किए जा रहे हैं। सपोज प्रीवियस सेक्शन का ग्रुप फाइव का है, हम उसमें वी बैक नहीं करते, प्रीवियस वन सेक्शन है हम उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन कर देते हैं, तो इसका मतलब है हमें वी बैक की पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है, उसको पेशेंट सिलेक्शन करके और फिर उसमें जो है वो हम उसको देखें कि इसमें जिस पेशेंट में मतलब सूटेबिलिटी फिजिबिलिटी है फॉर गोइंग थ्रू द ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन स्कार, तो उसमें हम जरूर करें विद द वन टू वन मॉनिटरिंग एंड ऑल अदर प्रोटोकॉल फॉर टू कंडक्ट अ वी बैक, तो हमें फिर उस पर देखने की जरूरत होगी। सो इन दैट वे वी क्रिटिकली एनालाइज द डेटा ऑफ आवर ऑल सिजेरियन सेक्शंस, तो यही मकसद है इसका। सो इट इज वेरी सिंपल टू अप्लाई यस इन कदर, मैडम, यस हम इसको पहले ही कर रहे होते हैं लेकिन नॉट अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशंस, ठीक है। जब हम अपना मैडम, रिव्यू कर रहे होते हैं अपने मंथली डेटा रिव्यू में, तो हमें ये पता होता है कि हमने प्रीवियस सेक्शन की वजह से इतने सेक्शन किए लेकिन हमने उसको क्लासिफाई नहीं किया होता, तो इसको हम थोड़ा सा अगर ऑर्गेनाइज कर लें तो इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमें एग्जैक्टली पिन पॉइंट वजह पता चल जाएगी और इसी तरह से हम स्पेसिफिक जो उसकी स्ट्रेटेजीज है वो हम डिवाइस कर लेंगे। अब सपोज आप अपने ही जो जिस भी सेटअप पे हम काम कर रहे हो आप उसी की एग्जाम्पल अगर ले लें, आपको अंदाजा होगा कि ज्यादातर सेक्शन किस वजह से होते हैं वेयर एवर यू आर वर्किंग, तो उसके हिसाब से भी आप अपनी पॉलिसी को डिवाइस कर सकती हैं। रादर डू दिस कि इसमें आपने जो है वो आपके डिपार्टमेंट में अगर सेक्शन किसी वजह से ज्यादा है, प्राइमरी ब्रीथ की वजह से ज्यादा है या प्रीवियस सेक्शन की वजह से ज्यादा है या फीटल डिस्ट्रेस की वजह से ज्यादा है या जो इससे भी ज्यादा जो मिस डायग्नोस्ड और मिस यूज इंडिकेशन होती है वो है फेल्ड प्रोग्रेस ऑफ लेबर, तो यस मैडम, उसके हिसाब से तो इस अब उस तरह से करो। यस मैडम,
And madam, fourth column in which total C-section rate in that group, which is contributing to the total section rate. And ठीक है yes, madam. चलिए, अब अगर फर्ज किया हम ये मतलब इसमें बेसिकली ये इंफॉर्मेशन है ना, टोटल सी सेक्शन रेट ये हो गया, और इसमें बेसिकली द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ग्रुप टुवर्ड्स योर टोटल सेक्शन रेट, ठीक है, ये है. ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे फिर? मैडम, देन आई विल गो फॉर ऑडिट इन विच आई ऑलरेडी हैव सिलेक्टेड द टॉपिक लाइक टू राइजिंग रेट ऑफ सी सेक्शन एंड बाय यूजिंग रॉबसन्स क्लासिफिकेशन एंड देन आई विल टेक परमिशन फ्रॉम एथिकल टीम एंड आई विल मेक माई ऑडिट टीम इन विच आई विल इंक्लूड ऑल द स्टाफ मेंबर्स इन मेटर्निटी यूनिट विच आर Do डीलिंग you need विद departmental, एप्लीकेशन. जो institutional, जो ethical review board की meeting है उसमें आपको इसको करने की जरूरत है? This is just monthly basis पे आपने करना है. कितनी को दफा review board से वो करोगे? ये तो आपका अपना एक internal audit है, departmental audit है, और इसके हिसाब से ये it should be practiced at every facility, हर facility पे. और हर facility में तो ये IRB वाला वो नहीं होता सिस्टम, तो उसके लिए इतना, क्योंकि ये दिस यू आर नॉट कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी, ठीक है, यू आर कंडक्टिंग एन ऑडिट. ऑडिट का मतलब ये है कि आपने उसकी डेप्थ में जाना है वजह जानने के लिए, और उस वजह को जाना आपने बाय अप्लाइंग दिस रॉबसन क्लासिफिकेशन सिस्टम. अब उसके लिए IRB की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ओके मैडम, ठीक है. यस मैडम, हाँ देन आई विल सेट माय स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू रॉबसन्स अकॉर्डिंग टू WHO इन विच टोटल सी सेक्शन रेट शुड नॉट बी मोर देन 15 to 20%. हाँ एंड आफ्टर दैट आई विल कलेक्ट ऑल द डेटा हाँ इन द प्रीवियस 6 months हाँ Like all the cesarean section done in my department, हाँ and then I will design my performer according to the 6 variables हाँ of Robson's criteria, and then in performer patient name, her age, her medical registration number, and the 6 criteria of availability, and then accordingly I will collect my all data, and I will get all percentile of each cesarean section by using मैडम ये भी बताना है हमने कि ठीक है, हम इसको देखो, ये इसको मेक इट सिंपल. अब ये ओके सिंपल हमने कैसे इसको किया था? आपने इसको पिछला 6 महीने के आपने सेक्शन सारे निकाले, उनको इंडिकेशन वाइज निकाला, उनको किसी ना किसी ग्रुप में फिट किया जहां भी वो फिट होते थे. तो इसके बाद फिर आपने जो है वो उसमें आप बेसिकली फिट करने के बाद फिर आपने हर ग्रुप की नंबर ऑफ पेशेंट एंड देन परसेंटेज ऑफ पेशेंट, यानी अगर फर्ज किया ग्रुप 1 में 40 मरीज हैं, तो उसके अगर फर्ज किया 400 सिजेरियन सेक्शन हुए, तो 40 डिवाइडेड बाय 400 इनटू यस 100 मैडम ये परसेंटेज निकलेगी. तो आपको ग्रुप 1 की परसेंटेज टुवर्ड्स योर टोटल परसेंटेज ऑफ द सेक्शन वो पता चल जाएगी. मतलब यस इसमें मैडम के अगर सेक्शन रेट में जो 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इतने से, 10% कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रुप 2 से, या 5% ग्रुप 3 से, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो इसलिए जो है वो इसमें इसको आपने परसेंटेज निकाल दी. अब जब आपने परसेंटेज निकाल ली हर ग्रुप की, अब आपने ये देखना है कि आपका कौन सा वाला ग्रुप सबसे ज्यादा बुरी फिगर के साथ है. यानी इसको आप आपके डिपार्टमेंट में, आपने कभी अपने डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस की है इसको? नो मैडम अच्छा चलो, जनरली आपकी क्या इंफॉर्मेशन है, आपके डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सेक्शन किस वजह से होता है, क्या इंडिकेशन सबसे कॉमन होती है जनरली जो आप ऑब्जर्व करते होगे? फेल फेलियर टू प्रोग्रेस मैडम टू प्रोग्रेस. मैम प्रीवियस चलो हम उसमें फेल टू प्रोग्रेस ही ले लेते हैं. तो वन सिजेरियन सेक्शन
हाँ वो फिर आ जाएगा ग्रुप फाइव में, और प्रीवियस जो फेल टू प्रोग्रेस है वो ग्रुप टू में आ जाएगा। तो ये इन दोनों को हम ले लेते हैं। सपोज आपने जो डेटा निकाला उसमें कोई 40% थे फेल्ड प्रोग्रेस के साथ, और कोई 45% थे, 45 नहीं 35% थे प्रीवियस सेक्शन के साथ। क्योंकि मोमेंट प्रीवियस सेक्शन का जब हम सेक्शन रिपीट करते हैं तो उसकी कंट्रीब्यूशन अप टू 30% हो जाती है, तो हम उसके फिगर के नजदीक नजदीक ही करते हैं। तो प्रीवियस वन सिजेरियन सेक्शन, प्रीवियस वन सिजेरियन सेक्शन की हम अभी बात करते हैं, क्योंकि टू और थ्री में तो हमें करना पड़ता है। अगर जो प्रीवियस टू अगर लेबर में आए, फुली डायलेटेड आए, तो उसको डिलीवर भी कर लेते हैं। तो आपने जो अपना रिजल्ट निकाले उसमें 40% थे ग्रुप टू में जो फेल्ड प्रोग्रेस के साथ थे, और जो प्रीवियस सिजेरियन के साथ है, प्रीवियस वन सिजेरियन सेक्शन के साथ, वो 35% थे। अब इससे आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिली? अब इससे रॉबसन क्लासिफिकेशन से, ये जो मैंने आपको एक रिजल्ट बता दिया, बाकी किसी का 2% है, 3% है, 5% है, इस तरह से करके सारी फिगर्स वो कंप्लीट 100% तक चली जाती हैं। तो अब ये 40% ग्रुप टू का और 35% ग्रुप फाइव का, व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ फ्रॉम इट एंड व्हाट रिकमेंडेशंस यू विल मेक बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ योर ऑडिट अकॉर्डिंग टू दिस रॉबसन क्लासिफिकेशन। मैडम, लाइक इन फेलियर टू प्रोग्रेस, इफ द पेशेंट वाज डन सिजेरियन सेक्शन, देन वी नीड टू अप्लाई लेबर केयर गाइड इन विच यस वन टू हाँ ठीक वन है मॉनिटरिंग शुड बी देयर, पर्सनल केयर हाँ देयर, एंड हाँ अ प्रॉपर मॉनिटरिंग, एंड देयर इज अ प्रॉपर लाइक द एक्टिव लेबर स्टार्ट्स एट 5 सेंटीमीटर्स, एंड देन हाँ दे गिव लाइक आफ्टर 4 आवर्स, इफ इट डजेंट हाँ चेंज देन देन फोर इट कम आवर्स ऑफ 4 आवर्स ऑफ एडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, ये भी उसकी एक कंडीशन है। 4 आवर्स हो सकता है, इनएडिक्वेट के साथ तो वो लंबी हो ही जाएगी स्टेज, लेकिन यस अफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन मीनिंग दैट इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, विच स्टिल इज फर्स्ट स्टेज एट 5, 6, 7 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में एडिक्वेट कॉन्ट्रेक्शन मीन एटलीस्ट 5 in 10 मिनट्स, और वो कॉन्ट्रेक्शंस एडिक्वेट होनी चाहिए जो हम जाहिर क्लिनिकल पल्पेशन के साथ ही हम उसको करते हैं। हम कोई वो प्रेशर कैथेटर्स तो डालते नहीं है इंट्रा यूट्राइन, जो कि ज्यादा एक स्पेसिफिक पैरामीटर होते हैं। बट एन इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस आर 5 in 10 मिनट्स, 4 to 5 in 10 मिनट्स का हम मार्जिन देते हैं, एंड लास्टिंग फ्रॉम 40 to 50 सेकेंड्स एटलीस्ट। ठीक है, यस सर, ये क्राइटेरिया में आ जाता है, और ये उसकी कंडीशन है। अगर फर्ज किया पेशेंट को 2 contractions per 10 minutes आ रही है, तो वो 6 घंटे भी लटक जाएगी, तो आप उसको फेल्ड प्रोग्रेस नहीं कह सकते। एंड फॉर दैट यू हैव टू डू सम इंटरवेंशन। आपकी जो यस सर, लेबर केयर गाइड आपको बताती है, अगर आप उसको गौर से पढ़ो तो उसमें वो सारी चीजें हैं जो हम नहीं कर रहे होते, यानी यस सर, मेकोनियम से रिलेटेड, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन से रिलेटेड, उसके फर्स्ट स्टेज ऑफ उसके इंटरवेंशन की जरूरत कब कब पड़ती है उससे रिलेटेड, ये सारी चीजें वो हैं जो हम बहुत जल्दी उसको जो है इंटरवीन कर देते हैं, एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज सिजेरियन सेक्शन रेट। तो उसमें इसका मतलब ये है कि उसमें सबसे पहले इंडक्शन को रिव्यू करो। इंडक्शन मिनिमम शुड बी एट 39 वीक्स, अगर कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है या मेटरनल फिटल इंडिकेशंस नहीं है, क्योंकि 39 वीक्स की इंडक्शन वो तकरीबन, अगर बिशप स्कोर, उसमें बिशप स्कोर के ऊपर भी डिपेंड करता है। इफ द बिशप स्कोर इज फेवरेबल, यानी उसमें 5 तक है उसका, तो देन यू कैन इंड्यूस एट 39 वीक्स। ये है फॉर सोशल रीजंस, लेकिन अगर वैसे मेडिकली इंडिकेटेड नहीं है तो यू कैन वेट, लेकिन डेफिनेटली उसमें लाइकर की अमाउंट, ये सारी चीजें हमें स्क्रीन करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीजें इंडक्शन को की आपके जो इंडिकेशंस हैं और उसकी जो मेथडोलॉजी है उसको रिव्यू करें। फिर उसके बाद लेटेंट फेज शुड बी गिवन एन ऑप्टिमम टाइम। अब लेटेंट फेज का जो टाइम ड्यूरेशन है, बेसिकली उसमें इंटरवेंशन नहीं चाहिए होती है अनलेस देयर इज मेटरनल एंड फीटल इंडिकेशन, एंड इट कैन लिंगर ऑन फॉर इवन फॉर 1 or 2 days भी, ये इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। और उसमें सिर्फ पेशेंट की मोबिलाइजेशन है, उसकी हाइड्रेशन है, उसमें सिंपल एनाल्जीसिया है, दीज आर द स्ट्रेटजीज टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेज ऑफ लेबर। देन कमिंग टू द एक्टिव फेज ऑफ लेबर, उसमें आपको
जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है, वेटिंग टाइम पीरियड है, वो उसमें अलाउ करना चाहिए. इसी तरह से इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर यू हैव टू गिव सम टाइम. अब जैसे मल्टी में और प्राइमीज में विद एंड विदाउट एपिड्यूरल उसकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाती है, बट हाउ मेनी ऑफ अस वेट फॉर दैट मच टाइम पीरियड. तो उसमें अगर नली पैरा है तो उसमें 2 घंटे आप वैसे ही सेकेंड स्टेज में दे देते हो, एपिड्यूरल के साथ आप 3 घंटे उसमें दे देते हो. तो ये इतना टाइम पीरियड फिर हमें अलाउ करना चाहिए. ओनली देन यू कैन रिड्यूस द सिजेरियन सेक्शन रेट. अब इसमें हमें जरूरत क्यों होती है इंटरवीन करने की? देर आर मैनी रीजन्स फॉर दैट. उसमें बहुत सारी रीजन्स में जो है वो पेशेंट और फिजिशियन के दोनों आ जाते हैं. पेशेंट के एंड पे इम्पेशेंस, यानी वो उसको जो है वो उसको बेसिकली इसमें पेशेंट की जो एंटीनेटल काउंसलिंग होती है और प्रिपेयर्डनेस फॉर द लेबर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नॉट ओनली ऑफ द पेशेंट बट ऑल्सो ऑफ द फैमिली एंड द हस्बैंड, बिकॉज दे बिकम पैनिक दैट बाय द बेबी इज नॉट बींग डिलीवर्ड, इट सो मच टाइम हैज बीन पास्ड. तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपने एंटीनेटल टाइम पीरियड से पहले वो करनी होती हैं. फिर उसके अलावा फिजिशियन की भी अपनी, अब इसमें नो डाउट फिजिशियंस हैव अ रोल इन डिसीजन मेकिंग. तो जब आप फेल्ड प्रोग्रेस के लिए डिसीजन करते हैं तो उसमें रूल ये है कि ऑलवेज डिस्कस विद द सेकेंड फिजिशियन ऑल्सो. मे बी आपका डिसीजन चेंज हो जाए, मे बी यू आर इन अ हरी और उसमें आप उसको वो करना चाहते हो. मतलब ये हमें फिर थोड़ा सा इसमें जो एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म है उसको भी जरा देखना पड़ेगा. सो इट इज द ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिजिशियन एंड द पेशेंट बोथ. बाकी जो सोशल फैक्टर्स होते हैं वो सारी चीजें हैं. तो ये आप इन सारी चीजों पे जो है वो ग्रुप 2 के लिए आप इन सारी चीजों पे फोकस करोगे तो ये आपकी स्ट्रेटजी बन जाएगी उस ऑडिट के रिजल्ट्स के ऊपर कि जिससे आपने कोशिश करनी है टू रिड्यूस द सिजेरियन सेक्शन इन योर सेटअप. नाउ कमिंग टू द रिपीट सिजेरियन सेक्शन इन ग्रुप 5, आपने ये देखा कि 35% प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन की वजह से सेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें आप वी बैक की पॉलिसी को लेके आए, क्योंकि वी बैक एक वो चीज है जिसपे पेशेंट और फिजिशियंस दोनों की जो है वो थोड़ी सी हेजिटेशन होती है. पेशेंट के अब इसमें डेफिनेटली पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो जो उसकी हिस्ट्री पे, एग्जामिनेशन पे, अल्ट्रासाउंड, सब चीजों पे बेस करती है. और फिर पेशेंट को सारे रिस्क फैक्टर बताते हुए हमने फिर उसको काउंसलिंग करनी होती है. अब काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी काउंसलिंग करते हो. काउंसलिंग ऐसी भी हो सकती है कि वी बैक से ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं. काउंसलिंग ये भी हो सकती है कि सारा कुछ ठीक है तो शी कैन टेक दिस चांस मे बी. और खास तौर पे इसमें जहाँ पे हम इंडक्शन को ट्राई नहीं कर रहे होते यूजुअली, वहां पे द पेशेंट गोज इन टू स्पॉन्टेनियस लेबर एंड देयर इज नो अर्जेंट इंडिकेशन फॉर डूइंग अ रिपीट सिजेरियन सेक्शन, then why we cannot give her trial of labor within a time constraint of course, के उसमें हम उसके प्रोज एंड कॉन्स बताते हुए पेशेंट को कन्विंस कर लें. और डेफिनेटली द फाइनल डिसीजन इज ऑफ पेशेंट्स हरसेल्फ. तो इसमें वी बैक वाली चीजें और वी बैक के साथ जो हमारी बाकी मॉनिटरिंग पैरामीटर्स होते हैं डेफिनेटली दीज कम इन टू प्रैक्टिस. तो ये फिर हमने स्ट्रेटजीज इसके ऊपर बेस कर ली. अब अगर फर्ज किया हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो ग्रुप 6 और 7 है उसमें बहुत ज्यादा सेक्शन हो रहे हैं ब्रीजिस की वजह से. अब ब्रीज तो सिर्फ 3% होती है एट टर्म, लेकिन उसकी वजह से भी एक थोड़ा सा फैक्टर जो रिपीट सिजेरियन सेक्शन में है वो आ जाता है. तो मेन ग्रुप्स को तो आपने एड्रेस कर लिया, लेकिन जो बाकी चीजें हैं उनको भी आप एड्रेस करो. तो उसमें अगर कन्वीनियंट है, फिजिबल है, तो उसमें आप ECV वाली ऑप्शन कर सकते हो, पेशेंट को दे सकते हो. अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द पेशेंट सिलेक्शन. और बाकी ऑब्लिक या ट्रांसवर्स लाइ की भी ECV करना इज नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग. तो इस तरह से अब मल्टीपल प्रेगनेंसी है ग्रुप 8 में, तो अगर फर्स्ट फीटस है एस्केफेलिक प्रेजेंट कर रहा है तो व्हाई नॉट टू गिव हर ट्रायल अगर कोई फीटल और इंडिकेशन नहीं है तो. क्योंकि सेकेंड को तो आप अगर ब्रीच है या ट्रांसवर्स है वॉट एवर, वो तो हम उसको ECV भी कर सकते हैं और फिर ECV के साथ ज्यादातर तो करेक्ट हो जाता है. ब्रीच तो एज इट इज भी डिलीवर हो सकती है ऑलरेडी इन अ फुली डायलेटेड सर्विक्स. तो ये वो चीजें हैं जो हमें हेल्प करेंगी ये सारा कुछ करने में.
अब ये हम एक क्रूड तरीके से या रफ तरीके से ये हम ऑलरेडी इस तरह से कर ही रहे होते हैं, बल्कि हर डिपार्टमेंट ही कर रहा होता है जहां पे ऑडिट रिव्यू हो रहा होता है, कि हमारे इस महीने में इतने सेक्शन, सबसे ज्यादा जो सेक्शन का पोर्शन है, अगर हम परसेंटेज ना भी निकाल रहे हों, कि इस महीने हमारा सबसे ज्यादा बर्डन जो सिजेरियन सेक्शन का था वो इस वजह से, तो इसलिए हमने इसको अब रेक्टिफाई करना है। तो वो रेक्टिफिकेशन वाली जो चीज है वो फिर इसके साथ है, इसके ऊपर बेस करेगी। तो ये है जो चीज हमें एक्चुअली इन ट्रू स्पिरिट्स करने की जरूरत है, बिकॉज पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे सिजेरियन, साउथ एशिया में भी जहाँ पे सिजेरियन सेक्शन इन सम सेंटर्स, खास तौर पे जो हमारे टर्शरी केयर सेंटर्स है वहां पे ये सिजेरियन सेक्शन रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और इसमें पब्लिक प्राइवेट सेटअप्स का भी थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन आ जाती है। और लेकिन यह है कि टर्शरी केयर सेंटर्स का एक जो चीज होती है वो ये भी है कि वहाँ पे जो हमारा जो बेसिकली जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हम उसमें जो है वो उसके हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम द कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स फ्रॉम DHQ, फ्रॉम THQ आर बीइंग रेफर्ड टू द टर्शरी केयर सेंटर्स। तो उन टर्शरी केयर सेंटर्स में ला महाला बेस्ड ऑन दोज कॉम्प्लिकेशंस ये सेक्शन रेट फिर बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो डिफरेंट हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनका सेक्शन रेट अमूमन डिफर करता है, और ये उस चीज पे बेस करता है कि व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट दे आर रिसीविंग और किस किस्म के पेशेंट वो रिसीव करते कर रही होती हैं। ये चीज, ये वो इंडिकेटर है जो ये शो करता है कि आपका बेसिक हेल्थ यूनिट और DHQ THQ कर क्या रहे हैं, यानी वो किस किस्म की हेल्थ सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक पूरी की पूरी एक रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस भी हो जाता है कि अगर फलानी किसी जगह से ज्यादा पेशेंट रेफर होके आ रहे हैं, मेल हैंडल या मिस हैंडल, तो जस्ट गो बैक टू दैट फैसिलिटी कि वहां पे क्या मसला है, ह्यूमन रिसोर्स कम है या वहाँ उनकी हेल्थ फैसिलिटीज जो सर्विसेज हैं वो कम है या क्या मसला है। तो ये चीज जो है ये आपको सारी की सारी बहुत सारे जो आपके मजीद चैनल्स फॉर रिसर्च हैं वो आपको खोल देती है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसमें मेरा ख्याल है और तो कोई ऐसी वो मुश्किल चीज नहीं है कि जिसमें हम इसको फोकस करें। मैम, एक चीज पूछनी है कि हर इंडिकेशन यहाँ पे जैसे 10 जो है वो अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, तो हर ग्रुप में कितनी परसेंटेज, उसकी कोई स्टैंडर्ड बनी हुई है? नहीं, स्टैंडर्ड देखो नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन जैसे अगर हम ब्रीच, सारे ब्रीच का करें, सारे ब्रीच का सेक्शन ही करें, तो इसका ओवरऑल 3% रिस्क होता है ब्रीच एट टर्म का। प्री टर्म ब्रीच का रिस्क ज्यादा होता है, तो अगर हम टर्म वाले ब्रीच कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 3% हो जाएगी, यानी ये उतना एडिड हो जाएगा। ये एक बहुत रफ सा एस्टिमेट है, तो इसमें इसमें जो है वो डेफिनेटली चीजें फर्क हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे हम अपने सेटअप के हिसाब से या जो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है उसमें फेल्ड प्रोग्रेस पे बहुत होती हैं, फीटल डिस्ट्रेस पे बहुत होती हैं, प्रीवियस सेक्शंस पे बहुत होती हैं, ब्रीचेस पे बहुत होते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रीचेस की कॉन्ट्रीब्यूशन एज सच अगर हम नली पैरा में भी बात करें या जो प्राइमरी पैराज होती हैं, तो उनका बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं बनती। हाउ एवर, अ सिंगल 1% भी इसमें जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस है। तो बाकी अगर ऑब्लीक उसको भी ECVM करें तो वो भी एक हमारी चीज मैनेज हो जाएगी। मल्टी फीटल में फर्स्ट ब्रीच फर्स्ट फीटस कैफेलिक है तो उसको नॉर्मल डिलीवर करो। अब प्रीटर्म जो लेस देन 37 वीक है, दैट अगेन इज एन एरिया टू बी एड्रेस्ड। उसमें ये है कि अगर अगर फर्ज किया इसमें किफेलिक है, कोई फीटल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप उसको वेजाइनल भी डिलीवर कर सकते हो। हाउ एवर, जो प्री टर्म ब्रीच है उसका सिनेरियो थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो इसमें इसमें भी इट्स नॉट कि इसमें 100% हम इसमें सेक्शन ही करेंगे, तो हर एरिया जो है फ्रॉम 6 to 10, यानी इसमें ब्रीचेज हैं और इसमें कॉम्प्लिकेटेड ऑब्स्टेट्रिक्स आ जाती है, तो इसमें वो सारी जो है वो मैनेजेबल हैं। इसी तरह से जो हम पहले वाले जो सिंगल कैफेलिक वाले साथ हैं उनके साथ भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। अब स्पॉन्टेनियस नली पैरा है, उसमें कोई कोमॉर्बिडिटी भी तो हो सकती है, हाइपरटेंशन भी हो सकती है, IUGR भी हो सकता है, PROM भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें।
तो उसको उनमें से कोई भी एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है अनलेस देयर इज सम प्रॉब्लम विद द डॉपलर फ्लो स्टडीज, जहां पे एब्सेंट या रिवर्स्ड एंड फ्लो डायस्टोलिक आ जाते हैं, तो वो कुछ अलहदा से इंडिकेशन बन जाती है। इवन वी कैन डिलीवर द पेशेंट विद ऑलिगोहाइड्रामिक्स। तो अगर आपके पास एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे फीटल मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो रही है, जहाँ पे आपके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, जहाँ पे आप जो अर्जेंट सिजेरियन सेक्शन है वो विद इन ड्यू टाइम कर सकते हैं, आपका एनेस्थीजिया स्टाफ राउंड द क्लॉक है, तो आप ये हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट्स को क्यों नहीं डिलीवर कर सकते। लेकिन इसमें मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत तो लगती है, लेकिन हमारा जो प्रोफेशनलिज्म जो एथिक्स है वो यही कहते हैं कि वेन एवर फिजिबल ऑलवेज डिलीवर द पेशेंट वेजाइनली। फिर हमारा कंफर्ट और कन्वीनियंस उसमें कहीं फिट नहीं होता। इफ वी आर नॉट एबल टू डिलीवर द पेशेंट वेजाइनली एंड शी इज अ कैंडिडेट फॉर वेजाइनल डिलीवरी, इट इज बेटर नॉट टू मैनेज ऑन आवर ओन। फिर बेहतर होता है हम इसको किसी को हैंड ओवर करते रादर देन पुटिंग द पेशेंट एट हार्म। तो इसमें इवन इसमें ज्यादातर जो मसला जो जाहिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हमने देखा है, ड्यूटी के चेंज होने का भी, कि अपने हिस्से का काम खत्म करके जाओ, लेकिन वो अपने हिस्से का काम खत्म करते करते आप कितने पेशेंट्स को हार्म मतलब करते हैं। और सर्जरी का तो एक बुनियादी असूल ही ये होता है कि डोंट हार्म द पेशेंट, और उसमें बार दफा अच्छे भले मिड लेबर ठीक ठाक प्रोग्रेस करते हुए, लेकिन टाइम ड्यूटी का खत्म हो रहा है, और उसके बाद आने वालों की डिमांड है कि अपने हिस्से का काम खत्म करके जाएं, तो वो अनड्यू सेक्शंस हो जाते हैं। ये वो बिटर ग्राउंड रियलिटीज हैं जो वाकई इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सिजेरियन सेक्शन रेट अगर कम होगा तो फिजिशियंस की विल पे कम होगा, और अगर फिजिशियंस चाहेंगे, क्योंकि पेशेंट हमारे ज्यादातर अनएजुकेटेड होते हैं स्पेशली कमिंग टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और उनको जो डॉक्टर बताता है वो उस पर ट्रस्ट करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं। तो इट इज आवर एथिकल ड्यूटी नॉट टू मिस गाइड देम, उनको एक हम ट्रू ऑनेस्ट ओपिनियन दें जो उनकी कंडीशन के हिसाब से उनके लिए जस्टिफाइड है। अब ये जो इतने सिजेरियन सेक्शन हो रहे होते हैं, बार दफा पेशेंट ट्रायल ऑफ लेबर घर पे ले रही होती है कि हम हस्पताल, उनका ये कंसेप्ट होता है कि हम हस्पताल जाएंगे तो हमारा सिजेरियन हो जाएगा, तो घरों पे लेबर लेते लेते बार दफा रप्चर हो जाता है। रप्चर के बाद क्या होता है, बच्चा तो जाता ही जाता है, फिर माँ के भी जान के लाले पड़ जाते हैं। इसी तरह से प्रीवियस 2 या 3 वो समझते हैं कि हम घर पे ट्रायल ले सकते हैं, तो उसके बाद भी रप्चर ऑफ यूट्रस एंड, और उसके बाद अगर फर्ज किया वो इन सारी चीजों से निकल आए तो भी उसमें कितनी कॉम्प्लिकेशन और हो सकती हैं, जो एबनॉर्मली एडहेरेंट प्लेसेंटा का हम जो अब एपिडेमिक देख रहे होते हैं, और उसमें डेफिनेटली सिजेरियन स्ट्रेक्टमी तक बात जाती ही जाती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और हम यंग एज पे पेशेंट की हिस्ट्रेक्टमीज कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो फिर डेफिनेटली ओवेरियन फेलियर एट अ यंग एज, और जनरल हमारा जो एक नेशनल हेल्थ लेवल जो स्टेटस होता है ऑफ द फीमेल्स हु आर द मेन केयर टेकर ऑफ देयर हाउसेज एंड द चिल्ड्रन, वो उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो सारा सिस्टम खराब हो जाता है। सो थिंक टू दैट लेवल। तो हम फिजिशियंस को इसमें बहुत ज्यादा एथिकल होना पड़ेगा, नॉट टेक केयर ऑफ योर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, टेक केयर ऑफ योर पेशेंट्स हेल्थ। ठीक है, तो अब मेरा ख्याल है हमने, और ये जो लेबर केयर गाइड है ये भी इसी कोशिश में WHO ने निकाली कि किसी तरह से सिजेरियन सेक्शन रेट कम हो जाए, लेकिन हम में से कितने हैं जो उस लेबर केयर गाइड को उसकी ट्रू स्पिरिट में हम अप्लाई करते, क्योंकि अगर अप्लाई उसमें करें तो जो है वो हो जाती है, मतलब उसमें बहुत सारे उनको डर होता है कि ये बच्चा डिस्ट्रेस में ना चला जाए, कोई लिटिगेशन ना हो जाए, या वो सारी चीजें ना हो जाए। बट इफ यू डू अ प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस, तो आप किसी भी कोर्ट में जाके उसको डिफेंड कर सकते हो, तो इसमें वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। और हमेशा पेशेंट के बाल तो फियर्स भी होते हैं, जैसे मेरे पास एक प्राइमी आ रही है, वो शुरू दिन से ही यानी जब से कंसेप्शन हुई है वो कहती है मैंने तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी, और ऐसे ऐसे होते हैं पेशेंट। तो अगर ऐसा पेशेंट हो तो उसको कैसे मैनेज करें, जो शुरू दिन से कह रही हो कि मैं तो बहुत मुझे खौफ आता है, मैंने इधर उधर से सुना हुआ है लेबर पेन्स का ये सारा कुछ, एंड दिस इज एक्चुअल सिनेरियो। बाद दफा पेशेंट एन वक्त पे आके कहते हैं कि हमारा तो सर्जरी नहीं करते, तो ऐसे पेशेंट्स को कैसे मैनेज करें। सर्जेरियन सेक्शन ऑन रिक्वेस्ट,
इसका क्या तरीकाकार है इसको मैनेज करने का, एनी वन ऑफ यू? अस्सलाम जी वालेकुम मैडम। हाँ मैडम जी ऐसे पेशेंट्स को सारी काउंसलिंग करनी चाहिए फॉर रिस्क ऑफ सिजेरियन सेक्शन एंड नीड फॉर सेकंड सिजेरियन सेक्शन एंड हाँ मैम लाइक इन सेकंड सिजेरियन सेक्शन शी मे एंड अप इन हिस्टेरेक्टोमी बिकॉज ऑफ हाँ मॉर्बिडली एडल्ट प्लेसेंटा एंड देयर हाँ कैन बी इंजरी ऑफ ब्लैडर यूरेटर एंड ऑल अदर स्ट्रक्चर्स एंड शी मे हाँ एंड अप इन मैटरनल डेथ एंड मैम एंड काउंसिल हर दैट मैम उनको बताएंगे कि उनको लेबर पेन तो होंगे लेकिन पेन मतलब डिलीवरी के बाद वो थोड़े टाइम में पेशेंट ठीक हो जाएगी। तो मैम काफी पेशेंट काउंसिल हो भी जाते हैं। फिर उसको बता देना कि देखो, जिसको लेबर पेन्स का इतना डर खौफ है उसको लेबर एनाल्जीजिया के बारे में भी बता दें कि वो अवेलेबल होता है, एंड मोर ओवर यू हैव टू काउंसिल देम एंड यू हैव टू टेल देम द नियोनेटल रिस्क एज वेल, बिकॉज द सिजेरियन बेबीज आर मोर एट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो इसलिए जो है वो उसमें उनको खासतौर पे आरडीएस का रिस्क ज्यादा होता है, इवन एस्थमा का रिस्क ज्यादा होता है, इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है। ये सारी चीजें हैं जो उनमें, उनकी अडेप्टेशन टू द एक्सटर्नल लाइफ इज अ लिटिल बिट डिलेड, क्योंकि जो एक नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी में जो प्रोसेस होता है इन सब चीजों का, दैट ऑल इज ऑल टुगेदर बाईपास्ड इन द सिजेरियन बर्थ। तो ये भी सारा कुछ हम उसको मैडम बता लें। सपोज वो नहीं मानती तो फिर क्या पेशेंट के पास ये राइट है कि अगर वो बजिद हो कि मेरा सेक्शन कर दो तो हम उसको उसका सेक्शन करते हैं? मैम कहीं मैंने इंडिकेशन में पढ़ा था कि अगर बिल्कुल पेशेंट मतलब फोर्सफुली है कि सेक्शन कर लें तो आप उसको फिर एट दी एंड मतलब मैम यस कर हाँ, सकते मतलब हैं। ये बेसिकली ये वो ग्रे एरिया है जहाँ पे एज फिजिशियन हमारी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आंखें बंद करके उसकी बात पे अमल ना करें, यानी हम ये ना कहें कि नहीं हाँ ठीक है बस सेक्शन हो जाएगा, कोई ऐसा मतलब नहीं। हमारी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उसको सब चीजें बता दें अबाउट द रिस्क, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सिजेरियन डिलीवरी फॉर हर सेल्फ एंड फॉर हर बेबी, और सारा कुछ बता दें, सब कुछ, सब चीजें, उसके लॉन्ग टर्म फॉलोअप्स क्या हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म फॉलोअप्स क्या, वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, और नियोनेटल रिस्क क्या होते हैं। सपोज पेशेंट इन ऑल केसेस डिनाइज टू हैव अ वेजाइनल डिलीवरी, तो पेशेंट के पास ये राइट है कि जब हम उसको ये सारी चीजें बता दें और फिर भी वो ना माने तो शी हैज द राइट टू डिसाइड अबाउट हर ओन ट्रीटमेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट डिसीजन में हमेशा पेशेंट एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता है, क्योंकि हम उसी के ऊपर सिजेरियन करने जा रहे हैं, उसी का वो है, तो उसका राइट है कि वो इसके बारे में डिसाइड करे, ओनली देन वी कैन डू इट। और इसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि इसको ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, एंड दैट डॉक्यूमेंटेशन शुड कम इन टू अ परमानेंट रिकॉर्ड कि इसका ये सिजेरियन सेक्शन ऑन रिक्वेस्ट हुआ, इसको ये बता दिया गया, बट शी डिड नॉट एग्री विद द ऑप्शन ऑफ वजाइनल डिलीवरी। तो फिर उस सूरत में हम पेशेंट के राइट को डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली ये कोई फेवरेबल चीज नहीं होती। ऑन रिक्वेस्ट सेक्शन करना, हमें हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट को हम कन्विंस कर सकें, दर्दों मैम का है इसमें तो उसको पेन किलर्स का है। मैम हाँ जी बेसिकली तो हम उसका फियर जो है जिस चीज से वो मतलब हाँ, डर रही है कि जो मुझे नॉर्मल साइकोथेरेपी डिलीवरी सारी चीजें उसको नहीं बता करें। रहा हूँ कि हम कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको, ठीक है? मैम मतलब इसमें हम ये भी उसकी काउंसलिंग इस बात पे बेस करेगी वो किस चीज से डर रही है, नॉर्मल डिलीवरी से उसको क्यों डर लग रहा है, तो उस डर को हम वो करेंगे एक्सप्लोर करेंगे पहले और हाँ, सारी तो काउंसलिंग उसी पे ये डिपेंड वो करेगी। चीज है, ये वो चीज है जो इंटरवेंशन एट द पार्ट ऑफ पेशेंट एंड फैमिली एंड कम्युनिटी आती है, और ये वो चीज है जिसका आगाज हम करते हैं एंटीनेटल टाइम पीरियड से। और जाहिर है हमारे यहाँ तो एक पेशेंट अकेला तो नहीं आता, उसके साथ अमूमन फैमिली आती है, हम उनको भी साथ वो करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं उस काउंसलिंग सेशन में, सो दैट दे बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ दैट काउंसलिंग सेशन, और वो उसको गाहे बगाहे घर पे भी समझाते ही होंगे यकीनन। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें उनको एज अ टीम हम इन्वॉल्व करके तो उनको बता रहे होते हैं। और ये फिर उसके बाद दूसरी चीज जो आ जाती है, वो सारी इंटरवेंशन हमने कहाँ कहाँ पे करनी है, वो फिर बाकी ज़ाहिर फिजिशियन की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही, एक्सक्यूज मी बिकॉज मैडम, इसमें हाँ
इसमें हम एक ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि अगर ना पेशेंट हमारे से विलिंग नहीं है तो हम उसको सेकंड ओपिनियन के लिए किसी और गायनेकोलॉजिस्ट के बिल्कुल पास कर रेफर सकते हैं। करें वो ताकि वो एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल गेस्चर होगा कि अगर आप अपना पेशेंट जो है, अगर फर्स्ट किया गवर्नमेंट सेटअप में आपसे काउंसल नहीं हो रहा, तो आप किसी हो सकते हैं जो आपका दूसरा कुलीग है उससे वो काउंसल हो जाए, तो आप उसको कर सकते हो। बट इवन इन द प्राइवेट प्रैक्टिस भी आपको ऐसे करना चाहिए। ये आपकी एक फाइनल एक एफर्ट होगी उस पेशेंट के लिए कि इसको हमने हत्तल इम्कान कोशिश की कि ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए काउंसिल हो जाए। तो फॉर सेकेंड ओपिनियन बाय ऑल मीन्स यू कैन गो। और बार दफा पेशेंट हमारे पास आते हैं सेकेंड ओपिनियन के लिए, मैंने ये तो है ना सेक्शन ऑन रिक्वेस्ट, लेकिन बाजों का सेक्शन डिसाइड हुआ होता है तो वो ओपिनियन लेने आते हैं कि क्या हमारा सेक्शन जरूरी है। तो डेफिनेटली पेशेंट को अगर थोड़ा सा मतलब होता है, वो अपने ओन पे भी या बार दफा कुलीग्स भी भेज देते हैं कि ये सेकेंड ओपिनियन के लिए पेशेंट आपके पास आना चाह रहा है, तो उसमें हमेशा उसको एक सही ओपिनियन जरूर दें। ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरा, मैडम, अब पेशेंट के मैं इस फियर को कैसे दूर जी करें कि देखो, वो कहती है कि फुली डायलेट, पेशेंट का ये भी फियर होता है कि फुली हाँ डायलेटेड पे भी जाके सीजरियन हो सकता है। हम काउंसलिंग ये करते हैं ना कि आपका फुली हाँ डायलेटेड पे भी अगर लेबर की प्रोग्रेस में कहीं प्रॉब्लम हुआ तो वो उसकी फिर ये हाँ होती है कि फिर हम इतना लेबर भी डेफिनेटली लें ये आपने और फिर बताना सेक्शन होता है। भी करें। देखो हाँ देखो, पेशेंट जब आपको कहते हैं ना, अब पेशेंट का ये बड़ा कॉमन सवाल होता है। अब हर ये बहुत कम पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि हमारा सेक्शन कर दे, सेक्शन ऑन रिक्वेस्ट वाली चीज बहुत कम होती है। लेकिन जो इसमें होता ये है कि बाज दफा जो फियर होता है पेशेंट का, वो इसलिए भी होता है क्योंकि हम जब उनको बताते हैं ना कि कोई भी ऐसी इंडिकेशन हो सकती है कि लेबर के दौरान में, क्योंकि वो पेशेंट पूछेगा कि क्या ये नॉर्मल डिलीवरी ही है, हम पेशेंट को कभी भी ये गारंटी नहीं दे सकते कि ये 100% होती है, कि दुनिया में कोई बंदा भी नहीं दे सकता, क्योंकि सारा कुछ ठीक भी हो, लो रिस्क भी हो, इसकी बैटरी लो है, इसको जरा सही कर, तो कोई भी लेबर कितनी भी लो रिस्क हो, इसमें हाउ वी कैन प्रिडिक्ट के वो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। उसमें हमें प्रोग्रेस का नहीं पता कैसे चलेगी, उसमें हमें फीटल डिस्ट्रेस का नहीं पता वो होगा या नहीं होगा, उसमें हमें ये नहीं पता कि उसकी मेल पोजिशनिंग होगी या नहीं होगी, या उसमें कोई ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कोई मसला तो नहीं होगा। सो वी ऑलवेज कीप द ऑप्शन ऑफ इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन ओपन। और मरीज को हम ये कहते हैं कि इसमें डेफिनेटली इसमें ये अभी फिलहाल इसमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेशन नहीं है सिजेरियन सेक्शन की, लेकिन अगर लेबर के दौरान में ऐसा कुछ हो जाए तो उसके बारे में हम पहले नहीं बता सकते, ये है लो रिस्क की। अब अगर फर्ज किया कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, जैसे IUGR बेबी है या ओलिगोहाइड्रामनियोस है या हाइपरटेंशन है कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड, तो उसमें डेफिनेटली फीटल डिस्टर्ब के चांस तो बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ आप जरूर बता देती हो कि इसमें ज्यादातर डिलीवर हो जाता है, लेकिन ये चांसेस हैं कि बच्चे की हार्ट बीट में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी वजह से हमें सिजेरियन करना पड़ सकता है। तो ये चीज है जो कि पेशेंट को हमें क्लियर वर्ड्स में बतानी पड़ती है, वरना मरीज आप ही से पूछेगा अगर ये इसका सेक्शन ही होना था तो बगैर दर्दों के कर देते, इतनी दर्दें भी नहीं और सेक्शन भी हुआ, ऐसा ही होता है ना, एक्चुअली तो ऐसा ही हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें आप उसको एंटीनेटल टाइम पीरियड पे बताओ, उसमें कुछ, क्योंकि ये जो प्रिपेयरनेस फॉर लेबर होती है ना, उसमें ये सारी काउंसलिंग आ जाती है। तो ये सारा कुछ आपने बताना होता है पेशेंट। ठीक है। हाँ मैम, प्री जी टर्म ब्रीच में आए और उसके लिए हम ग्रे एरिया है, नॉन स्कार हो या प्रीवियस वन सिजेरियन सेक्शन हो, अगेन के ब्रीच वजाइनल डिलीवरी की कौन सी फेवरेबल पॉइंट्स हैं पेशेंट में, उस हिसाब से काउंसिल करेंगे। देखो, इसमें जो प्री टर्म केफेलिक प्रेजेंटेशन है उसमें डिपेंड करता है, अगर फर्ज के स्कार्ड भी है तो स्कार्ड में भी अगर हम वी बैक पूरा फुल उस पे टर्म पे कर सकते हैं तो व्हाई नॉट इन ब्रीच, इन सॉरी प्री टर्म। प्री टर्म ब्रीच जो है वो उसमें हम डेफिनेटली सेक्शन इस वजह से भी करते हैं कि उसमें आफ्टर कमिंग हेड के स्टक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्रीच की जो प्री टर्म ब्रीच है उसका हेड बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द बॉडी साइज, तो बॉडी तो स्लिप हो जाती है, हेड वहां पे स्टक हो जाता है, तो इस वजह से वो वाली एक रिस्क होता है। और प्री टर्म ब्रीच में हेड के जो कॉम्प्लिकेशन है, इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज और वो हाइपोक्सिया, वो चीजें ज्यादा होती हैं।
तो इस वजह से प्रीटर्म ब्रीच को तो वजाइनल डिलीवरी का ट्रायल नहीं दिया जाता, लेकिन कैफेलिक में अगर हो और इस ऐसी कोई बहुत एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है लाइक इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस्ड एसटी हाई वो जो है एसटी रेशो, या फिर उसमें बहुत रिड्यूस लाइकर हो, तो उस सूरत में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, बट इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन. एब्सोल्यूट इंडिकेशन वही रहती है प्लेसेंटा प्रीविया मेजर, तो वो एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन है जिसमें हम कभी भी वो करते, इवन जो प्रीवियस वन सेक्शन भी है उसमें भी जो है वो हम कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है. इट इज जस्ट लाइक वी बैक, तो वी बैक में तो अगर कोई मसला नहीं है तो इसमें भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन ऑफ पेशेंट इज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट. मैम प्रीवियस टू सिजेरियन सेक्शन ऑलवेज जो है ना एक इंडिकेशन है कि आप सिजेरियन सेक्शन करें, लेकिन जहां पे बेबी एज ऑफ वायबिलिटी में आ जाए वहां पे सिजेरियन सेक्शन करेंगे ना, एज ऑफ वायबिलिटी से नीचे है तो वहां पे हम स्पोंटेनियस छोड़ सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि छोड़ स्पोंटेनियस सकते हैं, छोड़ सकते हैं. देखो इसमें जैसे बाल दफा हमने कोई ऐसा एनोमलस बेबी है या आईयूडी है, तो उसमें जब हमने टर्मिनेशन भी करनी होती है तो उसमें छोड़ा जा सकता है. बल्कि बाज दफा उसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल जो है वो मेथड ऑफ ये सर्वाइकल राइपनिंग ये भी किया जाता है, कैथेटर वगैरह से या इन चीजों से हम कर सकते हैं. अच्छा अब अगर हम इसको फिनिश करके हम थोड़ा सा प्रोटोकॉल राइटिंग का भी कर लें, सो दैट दैट टॉपिक इज कवर्ड इन दिस सेशन. ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड तो कोई रॉब्सन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड तो आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं अब रह गया. मैम बहुत अच्छा समझ में आया, थैंक यू. ठीक है, अब जो प्रोटोकॉल राइटिंग है ना, प्रोटोकॉल होते हैं दो किस्म के. एक होते हैं क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल्स, जो आप के जेन में एक सवाल आया या आपने कोई रिसर्च क्वेश्चन डिवाइस किया, दिस इज जस्ट लाइक यू राइट योर साइनोप्सिस. इसलिए इसकी तो नो हाउ है आप लोगों को, सबको होगी ही. तो इसमें उसमें जो मेथड बेसिकली जो उसके टॉपिक्स हैं, पहला होता है रिसर्च आपकी हेडिंग होती है, फिर उसके बाद आप उसमें वो लिखते हो, उसकी इंट्रोडक्शन लिखते हो जिसमें उसकी बैकग्राउंड देखते हैं, और आपका जो रिसर्च जो क्वेश्चंस होता है वो आप उसमें वो करते हैं, और उसके बाद फिर आपके जो मेथोडोलॉजी है उसमें सेटिंग है, टाइम ड्यूरेशन है, कहाँ पे आपने स्टडी की, कितने टाइम पीरियड के लिए की, आपकी स्टडी टाइप क्या है, और इसमें डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस आप किस तरीके से जो है वो करेंगे वो सारा कुछ, और इसके अलावा फिर मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी के आप स्टडी कर किस तरह से रहे हो, यानी आपका स्टडी टाइप क्या है, और ऑब्जर्वेशनल है या इंटरवेंशनल है, और उसके अलावा स्टडी टाइप के बाद जो है वो उसमें जब आप रिजल्ट्स में करते हो उसमें सारा डेटा एनालिसिस ही बेसिकली आ जाता है. डेटा एनालिसिस के बाद आप उसमें सारे रिजल्ट्स को यानी जो आउटकम है उनको आप स्टडी कर रहे होते हैं, टेबल बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, और आखिर में आप उसकी कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. ये जो आउटले है ना, ये क्लिनिकल रिसर्च वो प्रोटोकॉल राइटिंग होता है. अब इस हद तक तो आपको पता ही है. अब इसमें जो दूसरा जो ज्यादा कॉमनली हम जो यूज करते हैं, जो आपके क्वेश्चन में, बल्कि क्वेश्चन में तो दोनों तरह से ही आ सकते हैं, जो दूसरा जो क्वेश्चन आपका होता है ना वो होता है क्लिनिकल प्रोसीजर प्रोटोकॉल्स. उससे क्या मतलब है, आप कभी आपने अपने डिपार्टमेंट्स में कोई प्रोटोकॉल्स बनाए या आपके डिपार्टमेंट में कोई लगे हुए हों तो? मैम अलग से पेपर राइटिंग में तो नहीं, लेकिन जैसे अगर किसी इमरजेंसी में कोई मिसहैप हो जाए या थोड़ी बात हो जाए, दूसरे दिन मीटिंग में ऐसे वर्बली बोला जाता है ना कि अगले इमरजेंसी में अगर ऐसा कोई पेशेंट आ जाए तो उसको सबसे पहले सीनियर जो है वो ऑन द फ्लोर जो मौजूद है या वुमेन मेडिकल ऑफिसर जो भी मौजूद है वो सबसे पहले देखेगी, उसके साथ जो है जो सबसे मोस्ट सीनियर है वो उसके साथ उसको पेशेंट को मैनेज करेगी, जूनियर्स उसके साथ असिस्ट कराएंगी, जूनियर इंडिपेंडेंटली ऐसे पेशेंट को मैनेज So नहीं this करेगी all अगर हाई is रिस्क. verbal. This is one form of the protocol. But this all is verbal. अब उसका नुकसान क्या होता है? Verbal का नुकसान क्या होता है? यानी आप मॉर्निंग मीटिंग में तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे, पहले ये देखेगा फिर वो देखेगा, मरीज को यहाँ पे आना चाहिए, पहली चीज ये करनी चाहिए, दूसरी चीज ये करनी चाहिए. बट दिस इज नॉट इन रिटन फॉर्म, दिस हैज नॉट बीन डिस्प्लेड इन अ रिटन फॉर्म. तो इस वर्बल में और रिटन में फर्क क्या होता है, एंड विच वन इज बेटर? Written is more better, ma'am. Why?
सो दैट वी कैन रिव्यू सबको पता के होगा, बारे में एवरीवन तो विल बी इन्फॉर्मड अबाउट दैट. एक तो ये कि आपके पास है, देखो सबसे बड़ा जो फायदा होता है प्रोटोकॉल्स का, यानी अगर मैंने डिपार्टमेंट में लगाया हुआ है कि पेशेंट को पीपीएच हो गया है, तो पीपीएच जैसे ही हुए तो उसमें चेकलिस्ट क्या है, नंबर 1 2 3 आपने क्या देखना है, नंबर 1 2 3 आपने कैसे मैनेज करना. अगर आपका हाउस ऑफिसर भी डिलीवरी कर रहा है तो वो भी उस प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, अगर आपका प्रोफेसर डिलीवरी कर रहा है तो वो भी उस प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा. तो उसका फायदा क्या हुआ, स्टैंडर्डाइज्ड केयर डिलीवरी टू द पेशेंट, उसमें एरर्स के चांसेस बहुत कम होते हैं, उसमें किसी भी मैनेजमेंट का वाइटल स्टेप ओमिट होने के चांसेस कम होते हैं, उसमें ट्रीटमेंट वेरिएशंस के चांसेस कम होते हैं. तो इसलिए जो है ये प्रोटोकॉल्स इतने जरूरी होते हैं. और ये आपको बार दफा आएगा कि आप जैसे सिजेरियन सेक्शन की ही हम बात कर लेते हैं कि सिजेरियन सेक्शन आपके डिपार्टमेंट में इतना बढ़ गया, आप इसके लिए कोई प्रोटोकॉल बनाएं कि जिससे आप सिजेरियन सेक्शन रिड्यूस कर सकें. ये मैंने वैसे थोड़ा सा अपनी स्लाइड्स में भी जरा वो एक दो चार चीजें ये कुछ की हुई थी कि वो मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ, कि इसमें जो प्रोटोकॉल होता है जैसे डिवाइज द स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द सिजेरियन सेक्शंस इन योर डिपार्टमेंट, ठीक है ना. ये एक रॉबसन क्लासिफिकेशन के साथ ही ये चीज आ सकती है और इट कैन बी एज अ कंप्लीट क्वेश्चन. तो क्योंकि ये है तो बड़ा हॉट टॉपिक है ना सिजेरियन सेक्शन का, तो ये जो है ये उसमें, या फिर ऐसे बार दफा ऐसे भी होता है कि आपका सिजेरियन सेक्शन वो इन्फेक्शन रेट जो है वो बढ़ गया है, तो डिवाइज अ स्ट्रेटजी या डिवाइज अ प्रोटोकॉल टू रिड्यूस द इन्फेक्शन रेट इन योर डिपार्टमेंट, यानी जितने जो पोस्ट ऑपरेटिव केसेस हैं उनके वुंड खराब हो रहे हैं, तो जो है वो आप इसमें कुछ स्ट्रेटजी डिवाइस करें कि जिसमें ये वो कम. मेरा ख्याल है डायरेक्टली मैं आपको दिखा ही देती हूँ, उसमें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा. मैम, जब सीजेरियन सॉरी वूंड इन्फेक्शन या पर्टिकुलरली सेप्सिस का रेट बढ़ रहा है, तो उसमें तो हमारे पास एंटीनेटल, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम सारे ही फैक्टर देखने पड़ेंगे ना? वो तो सारी ही चीजें, लेकिन अगर सिर्फ ये कि थिएटर का जो है प्रोटोकॉल जो है वो आप उसमें थिएटर में किस तरह से काम करेंगे, तो ये चीज है जो कि फिर आपको उसमें करनी पड़ेगी, ठीक है. तो थिएटर के लेवल तक आप इसमें, क्योंकि फिर उसमें थोड़ा सा बाउंड कर दिया जाता है कि इसमें आपने इसको किस तरह से करना है. तो ये तो हमने खैर सारा पढ़ लिया, ये मैम, की पावर ओवर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिल जाएगी? जी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिल ये तो जाएगी? इमरान साहब से पूछ लीजिएगा. अच्छा, हमारा जो है ना एक ये साउथ एशिया का वो ग्रुप 1 टू 5 वाला रेट भर रहा है, ये जो एक स्टडी थी ये सैफॉक के जर्नल में, उसमें जो हमारा सिजेरियन सेक्शन रेट जो ग्रुप 1 टू 5 है उसमें ज्यादा जो है वो चीजें गड़बड़ हो रही हैं, इसी वजह से सेक्शन रेट. और हम खैर से हमेशा की तरह बाकी सब चीजों की तरह इसमें भी काफी ऊपर टॉप पे आते हैं. आईटी वाला अच्छा, अच्छा चलो ठीक. तो ये एक मैं पहले दिखा देती हूँ कि ये इंटरवेंशन टू रिड्यूस सिजेरियन सेक्शन, तो इसमें प्री नेटल एजुकेशन एंड सपोर्ट डेफिनेटली ये वहां से आप शुरू करते हो, डिसीजन एड्स फॉर मोड ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ आप एंटी नेटल टाइम पीरियड में कर रहे होते हैं. साइको सोशल सपोर्ट फॉर द विमेन विद अ फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ, लेबर कंपेनियनशिप, यानी आप उसके साथ एक फैमिली का बंदा रखते हैं, बल्कि बाहर के मुल्कों में जहाँ फैमिली के बंदे तो कम होते हैं उनके लिए बाकायदा एक मतलब ये प्रोवाइड किए जाते हैं. अच्छा, दूसरा ऑडिट एंड फीडबैक, ये पब्लिक डिसेमिनेशन का मतलब ये है कि हर जो फैसिलिटी एरिया का ना उसका पता होना चाहिए उस यहाँ पे कितने सेक्शन होते हैं. ऑडिट एंड फीडबैक यानी ये वही जो रॉबसन क्लासिफिकेशन के साथ, ताकि हमें अपना पता चलता रहे कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं. मैंडेटरी सेकेंड ओपिनियन फॉर सिजेरियन बर्थ, इन सर्विस ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स ये वो चीज है जो कि आपकी क्लिनिकल गवर्नेंस से बहुत ज्यादा जिसका ताल्लुक है, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट की हेल्थ केयर फैसिलिटीज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स का होना बड़ा जरूरी होता है.
और ये जो आईएसओ सर्टिफिकेशन होती है डिपार्टमेंट्स की, ये भी इसी पे बेस करती है। इक्वलाइजिंग फिजिशियन पे फॉर वेजाइनल एंड सिजेरियन बर्थ, यानी बाज दफा ये भी पब्लिक, हमेशा पब्लिक का जो बाज दफा कंसेप्ट, हम भी बीइंग प्राइवेट प्रैक्टिशनर या मतलब गवर्नमेंट जॉब में भी ये सुनने में आता था कि चूंकि सिजेरियन सेक्शन का रेट ज्यादा है इस वजह से डॉक्टर ज्यादा कर रहे होते हैं, तो ये भी एक वो इल्जाम है जो डॉक्टर्स पे आता है, तो ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। सेटिंग अ गोल फॉर सिजेरियन सेक्शन रेट एट अ फेसिलिटी लेवल अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एट द टाइप ऑफ द पेशेंट दे रिसीव, यानी अगर कॉम्प्लिकेटेड ऑब्स्टेट्रिक्स भी है तो वहां पे भी आपका रेट 25% नहीं भरना चाहिए, क्योंकि 5% मिनिमम रेट है, 5% से नीचे इसका मतलब है आपकी फैसिलिटी सब ऑप्टिमल है, यानी जिनमें जरूरत है उसमें भी आप सेक्शन नहीं करते। 10% तक डेफिनेटली इम्प्रूव्स फीटल एंड मेटर्नल जो है उसकी, उसमें बेनिफिट होता है, हेल्थ में बेनिफिट होता है, बट अबव 10% द रिस्क ड्यू टू इंक्रीज सिजेरियन सेक्शंस आर मोर एज कंपेयर टू इट्स बेनिफिट्स। अच्छा जी, अब इसमें जो, अब ये जो सारी चीजें हैं इसमें कुछ क्लिनिकल इंटरवेंशंस भी हैं, यानी रूटीन इंडक्शन ऑफ लेबर आप बहुत जल्दी ना करें, मिनिमम एट 39 वीक्स, और वो भी बिशप स्कोर देख के, बिशप स्कोर फेवरेबल है तो करें वरना वेट करें। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर, वही लेबर केयर गाइड वाली बात। एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन ब्रीच में ट्रायल ऑफ वी बैग, इंक्रीज इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज, यानी जहां पे आप इंस्ट्रूमेंट लगा के डिलीवर कर सकते हैं वो भी आप अगर सेक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो स्किल भी कम है या आप उसको यूज नहीं कर रहे। बाकी लेबर केयर गाइड की बात तो वही एक्टिव मैनेजमेंट के साथ ही चली जाती है, जिसमें प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज परमिटेड है, मोर टाइम जो है वो परमिटेड फॉर द एक्टिव लेबर टू प्रोग्रेस। पेशेंट एनकरेज टू अवॉइड एक्सेस, क्योंकि ये एक्सेस वेट गेन जो होता है उसमें हमेशा डिसफंक्शनल लेबर ज्यादा हो जाती है, इस वजह से वो भी हम पेशेंट को वेट कंट्रोल का भी गाइड कर रहे होते हैं। अब जो नॉन क्लिनिकल इंटरवेंशन होती है, ये सारी चीजें आप अपने प्रोटोकॉल राइटिंग में लिख सकते हैं जहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन हो। इसमें वोमेन फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, जिसमें फियर अबाउट द वजाइनल बर्थ है या कंसर्न अबाउट द सेफ्टी है, कन्वीनियंस है, मिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पीयर, यानी फ्रेंड से सुना, किसी फैमिली मेंबर से सुना तो उससे मिस इन्फॉर्मेशन हो गई। और बाकी इंटरवेंशन टारगेटेड एट द हेल्थ प्रोफेशनल, कंसर्न्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल एंड पीयर ग्रुप नॉर्म्स, मतलब जो आपके कुलीग हैं वो क्या कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स और ये सारा कुछ, और अपनी पर्सनल कन्वीनियंस एंड कम्फर्ट भी, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी। सो ऑलवेज एनकरेज द फिजिशियन मोटिवेशन टू मेक अ चेंज। अब तीसरी जो इंटरवेंशन है वो है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे भी, कि उनको भी अपने प्रोटोकॉल ऐसे बनाने चाहिए कि अननेसेसरी सेक्शंस ना हो, लेकिन यूजुअली ये कंसल्टेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये अपना उनका इंडिविजुअल डिसीजन होता है। बट एटलीस्ट जहाँ पे जो गवर्नमेंट पब्लिक हॉस्पिटल्स में है वहां पे ये ऑडिट, बल्कि हर जगह पे ये ऑडिट होना चाहिए। और जो इफेक्टिव इंटरवेंशन है जो बहुत ज्यादा, वो है लेबर कंपेनियनशिप और मल्टीपल डिसिप्लिन, जो मल्टी डिसिप्लिनरी लेड कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर है वो भी, मिड फाइव लेड यूनिट्स है, एंटीनेटल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग आपके स्टाफ की भी है रिगार्डिंग जैसे इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है और टू डील विद द ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, जैसे शोल्डर डिस्ट्रोशिया है, ब्रीच प्रेजेंटेशन की डिलीवरी है, वो सारी चीजें। और एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस, एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन, जो गाइडलाइन का तो आपको पता ही है कि जो हमेशा बहुत सारी स्टडीज के बाद आप कुछ चीजें उसमें कंक्लूजन ड्रॉ करते हो कि हाँ इस मरीज को हमें इस तरह से ये मेडिसिन देनी चाहिए, उसको ये मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ये इसके टेस्ट करवाने चाहिए, लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है वो थोड़ी सी फर्क होती है। एविडेंस बेस्ड जो गाइडलाइंस है वो चीज़ें हैं जो हमने एक समझो कि गुड प्रैक्टिस चीज़ें हमने पॉइंट ड्रॉ किए आफ्टर डिफरेंट स्टडी मेटा एनालिसिस। तो जो प्रोटोकॉल है वो ये चीज होती है कि उन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को हमने प्रैक्टिस कैसे करना है, उन गाइडलाइंस को प्रैक्टिस कैसे करना, यानी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बेसिकली मेथोडोलॉजी पे आ जाते हैं। और इसके बाद है प्रोटोकॉल राइटिंग की जो हम बात कर रहे थे, कि वो ही है कि सारा इसमें जो है वो एक उस पर सारा ये तो खैर उस पर क्लिनिकल वो है ना जो हमने बात कर ली, इस पर हम ज्यादा लंबी बात नहीं करते क्योंकि ये है, लेकिन प्रोसीजर जो प्रोटोकॉल्स है इसमें वर्क फ्लो यूनिफॉर्मिटी
यानी हमने इस ये फ्लो चार्ट्स की सूरत में भी होती हैं, ये डॉक्यूमेंट की सूरत में भी होते हैं, और यूनिफॉर्मिटी ऑफ केयर जो है वो उसमें ये लेके आती है, यानी स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस। आपके टॉप से लेके बॉटम तक बंदा पीपीएच को वैसे ही मैनेज कर रहा होगा जैसा आपके प्रोटोकॉल में डिस्प्ले हुआ हुआ है, जो के बेस था क्लिनिकल उस पे गाइडलाइन के ऊपर। तो ये वो चीज है। अब ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये बेसिकली टूल भी हैं और कंसेप्ट भी हैं। कंसेप्ट है इसमें गाइडलाइन का और टूल है इसमें मेथोडोलॉजी का। मरीज कहाँ पे आएगा, कहाँ पे ठहराया जाएगा, कौन सा इसको बंदा पहले देखेगा, कौन सा बाद में देखेगा, इसको एग्जामिनेशन कैसे करना है, ये टूल्स हैं। लेकिन इसमें जो हमने ट्रीटमेंट देनी है वो फिर उस पे डेफिनेटली जो उसमें गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम दे रहे होंगे। जैसे ये जो है ये एक गाइडलाइन है इसमें प्रॉम की, कि प्रॉम वाला पेशेंट आ गया तो उसको आपने कैसे आगे लेके चलना है। ठीक है, तो ये इस तरह से फ्लो चार्ट भी, हम इसके टेक्स्ट में नहीं जा रहे, इसके कंटेंट पे अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन जस्ट टू शो यू कि दिस कैन बी वन पैटर्न ऑफ अ प्रोटोकॉल, क्लिनिकल प्रोटोकॉल, क्लिनिकल प्रोसीजर प्रोटोकॉल जो है। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। आपका हाउस ऑफिसर देखेगा, अच्छा ये सिंगल टर्म है, कैफेलिक में है, इसकी मेम्ब्रेन रप्चर है, मैं देखूँ सर्विक्स कैसी है, अगर ये फर्ज किया टर्म पे है तो, और फिर इसमें इसको इसके साथ इसमें करना है, और अगर सर्विक्स अनराइप है तो फिर उसमें सॉरी ये अगर राइप है तो ये, और अगर अनराइप है तो इसके साथ, और इंटैक्ट मेम्ब्रेन है तो फिर इसके साथ। ये बेसिकली इंडक्शन और सॉरी इंडक्शन ऑफ लेबर से रिलेटेड है। तो इसमें ये इंडक्शन अगर सर्विक्स अनराइप है या राइप है विद इंटैक्ट मेम्ब्रेन तो फिर ये मेरा तरीका ये होगा। तो ये है। इसी तरह से प्री टर्म लेबर में जो सारा है इसको जो करना है वो इस तरह से आ रहा होगा, ये फ्लो चार्ट है। तो हर एक को बहुत, अब जो प्री जो गाइड जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में और ब्रीफ वर्डिंग में और छोटे होने चाहिए जिसको एग्जैक्टली पढ़ा जा सके। अब ये वाली जो चीज़ है ये आपके एंटीनेटल एरिया में लगी होगी। अब जो कॉर्ड प्रोलैप्स वाली या पीपीएच वाली चीज है ये आपके डिलीवरी रूम में लगी होनी चाहिए। इसी तरह से जो एक्लेम्शिया आपके एक्लेम्शिया रूम में उसकी प्रोटोकॉल लगा होना चाहिए। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, एनीमिया है, वो आपके एंटीनेटल केयर वार्ड में, एंटीनेटल वार्ड में लगी होनी चाहिए। तो ये है। इसी तरह से जो पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग है उसका प्रोटोकॉल ये है कि अगर जाहिर उसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस पे हम जाते हैं फिर एंडोमेट्रियल थिकनेस आ जाती है, लेकिन अगर वो इरेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है तो उसमें इरेगुलर नहीं है तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी लें, इरेगुलर है तो इसका मतलब है वो पैची एरिया ऑफ हाइपरप्लेजिया हो सकते हैं। सो उस सूरत में फिर आपकी हिस्ट्रोस्कोपी ज्यादा बेहतर हो, और बाकी जो एबॉर्शन वगैरह का इस तरह से। अब दूसरा जो आपने कुछ प्रोटोकॉल ऐसे भी होते हैं जिसको हम टेक्स्ट फॉर्म में करते हैं, जैसे ये पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड राउंड है उसमें आपने डेली चेक क्या करना है, हमने मरीज से सिम्टम ये पूछने हैं, एग्जामिन ये करना है, चेक उसके ये करने हैं, रिव्यू उसका ये करना है। यानी हमें अब चार पता चल गए ना, अब हमारा हाउस ऑफिसर अगर वार्ड में राउंड कर रहा है, पोस्ट ऑफ वार्ड में राउंड कर रहा है, तो उसको पता है कि मैंने मरीज से ये सवाल पूछने हैं, मैंने मरीज की ये चीज़ें देखनी है, ये चीज़ें मैंने चेक करनी है, और ये चीज़ें मैंने उसकी खुद से रिव्यू भी करनी है कि क्या उसको सारा कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बार दफा आपकी उस पर लिखा होता है लेकिन स्टाफें दे नहीं रही होती। इसी तरह से जो आपने पेशेंट और फैमिली को भी क्या बताना होता है पोस्ट ऑफ टाइम पीरियड में, ये सारी चीजें वो। अब जो जैसे प्री ऑफ प्रेपरेशन भी है, ये सिर्फ आपको कुछ में एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, तो उसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, फिर उसके बाद पेशेंट का जो है वो सारी इन्फॉर्म्ड कंसेंट में क्या क्या होना चाहिए, फिर फिटनेस फॉर एनेस्थीसिया प्रोसीजर है, फिर उसके बाद एनपीओ कितनी देर का, आईवी लाइन है, और इसके अलावा फिर ओसीपीज और बाकी हार्मोनल ट्रीटमेंट उसके बंद होना हो जानी चाहिए, हेयर क्लिपिंग प्रेफर्ड होती है ओवर शेविंग, आईवी एंटीबायोटिक्स विद इन 60 मिनट्स बिफोर द सर्जरी बिफोर इंसिजन, और पेशेंट को प्री ऑप एरिया में आप अकॉर्डिंग टू हर कंडीशन नर्स के साथ आप शिफ्ट करते हो 1.5 to 1 आवर बिफोर सर्जरी। और जैसे ये आप सब लोगों के थिएटर में लगा हुआ होगा जो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है, दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ क्लिनिकल प्रोटोकॉल फॉर एनेस्थीजिया डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एनेस्थीजिया एज वेल एज फॉर द सर्जन। तो ये चीजें आपने पहले चेक करनी है और ये चीजें आप फिर बाद में
जो है वो आप सारी वो चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में है, प्री ऑप मेजर्स उसमें क्या होनी चाहिए, ठीक है। पहले सारी चीजें जो उसको प्री डिस्पोज कर सकती हैं वो सही करें, और अगर पॉसिबल हो इमरजेंसी बने या सर्जरी तो वेट रिडक्शन की तरफ भी आ जाए, हीमोग्लोबिन ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी इसको हम देते रहें अगर इलेक्टिव सर्जरी पोस्टपोन हो सकती है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट बंद करें, मैकेनिकल बावल प्रेपरेशन जरूरी नहीं है, प्री ऑप बाथ जरूर होना चाहिए, और इंट्रा ऑपरेटिव मेजर्स तो बहुत सारी हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारा प्रोटोकॉल है, यानी जो सर्जरी के दौरान में जब पेशेंट थिएटर के अंदर शिफ्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद से उसके क्या क्या चेक लिस्ट, उसकी शिफ्टिंग क्या, शिफ्टिंग से लेके उसकी सर्जरी के खत्म होने तक ये सारी उसकी वो चेक लिस्ट है, और पोस्ट ऑप में फिर आपने क्या क्या चीजें करनी है। दीज ऑल मेजर्स आर टू रिड्यूस द सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो ये वो कुछ एग्जाम्पल्स थी जो के क्लिनिकल प्रोटोकॉल से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो मेरा ख्याल है अब इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी, बट आई विल एडवाइस ऑल ऑफ यू कि ये जो चीजें हैं, क्योंकि जो दो बहुत जो हमारे एरियाज हैं ऑफ कंसर्न, राइजिंग सिजेरियन सेक्शन तो है ही, वो इन्फेक्शंस भी हैं, क्योंकि जो डिसइंफेक्शन स्टेरिलाइजेशन हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, और इन्फेक्शन से रिलेटेड जो दूसरा बहुत एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्योंकि अब हमने जो एवोल्यूशन ओवर द टाइम पीरियड जो हमने देखी कि पहले सिंपल एंटीबायोटिक को पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाते थे, लेकिन अब कितनी भी हाई आप पोटेंसी वाली जो मेडिसिन दे रहे होते हैं उसको भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता। द फॉल्ट इज विद अस एंड द फॉल्ट इज विद द पेशेंट, लेकिन पेशेंट पे जो फॉल्ट है वो उनकी एक लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से है, और उसमें भी किसी हद तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पेशेंट्स को एजुकेट करें। हु सो एवर पेशेंट कम्स टू अस, उसकी थोड़ी सी जो हेल्थ एजुकेशन करना भी हमारी जिम्मेदारी में आता है, क्योंकि मरीजों को नहीं पता। अब आप किसी भी इंफेक्शन के लिए मरीज को दें दवाई तो उसको ये स्ट्रेस करें कि ये दवाई बकायदा इतने दिनों के लिए जरूर लेनी है, वरना पेशेंट का सिम्टम जैसे ही सेटल होता है वो दवाई छोड़ देते, रेजिस्टेंस वहां से डेवलप होती है। हमारे पार्ट पे ये वाला प्रॉब्लम आता है कि हम सिंपल इन्फेक्शन के लिए सिंपल एंटीबायोटिक नहीं देते, और हम उसमें एक तो पहली बात तो ये कि हम सिंपल उसके वो एंटीबायोटिक नहीं देते, दूसरी बात ये कि अननेसेसरी हम एंटीबायोटिक दे रहे हो। तो अब तो मेरा ख्याल है हम उस मिड टाइम पीरियड में पहुंच गए हैं कि जहां पे अब बाज दफा एंटीबायोटिक दिए बगैर गुजारा भी नहीं होता, क्योंकि हम पेशेंट्स को उस स्टेज पे लेके आ चुके हैं जहां पे के हम उसकी अपनी नेचुरल रेजिस्टेंस पे या इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करें। तो जैसे ही पेशेंट का गला भी खराब हो वो फौरन एंटीबायोटिक लेना शुरू हो जाते हैं। तो स्टिल द सिचुएशन इज नॉट बैड इन दोज कंट्रीज जहाँ पे एंटीबायोटिक्स के यूज पे बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं, यानी उस पे बहुत ज्यादा चेक एंड कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मरीज जाके फार्मेसी में खड़ा होके कहेगा कि मुझे एम्पीसिलिन दे दें, फार्मेसिस्ट उसको दे देगा, सो विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। सो देयर आर मेनी थिंग्स विच नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो ऑन द गवर्नमेंट लेवल इन चीजों को रोकने के लिए। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमें प्रिवेंशन से ज्यादा अब थेरापीटिक्स पे ले जा रही है, जिसकी डेफिनेटली कॉस्ट जो है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें जो, इसलिए जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ईच एंड एवरी स्पेशली, ठीक है। मैम जी, अब अप्लाई भी हो रहा है क्या इन्फेक्शन प्रिवेंशन, एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अब अप्लाई कर रहे हैं। करना चाहिए, ये होता है, मतलब ये अब हो तो रहा है, लेकिन वही बात है ना, अब जैसे ये जो आपकी रॉबसन क्लासिफिकेशन है, कितने को हॉस्पिटल में जो है वो हो रही होती है, अप्लाई हो रही होती है, आप अपने ही सेटअप का बता दें जहां भी आप हैं। जी मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, होता सब कुछ है, अप्लाई कमी हो रहा होता है। हाँ मतलब देखो वही बात है ना कि हम उसको सही नहीं कर रहे होते, और ऐसे मुजाहिद कम ही होते हैं जो कि इन चीज़ों के पीछे भागे, यानी जो इन चीज़ों को उस तरह से अप्लाई भी करे। अब इन्फेक्शन प्रिवेंशन इज नॉट अ बिजनेस ऑफ अ सिंगल पर्सन, दैट इज बिजनेस ऑफ एवरीवन,
including the patients, including the healthcare providers, including the doctor, nurses, paramedics, and everyone. तो उसमें वही बात है ना कि अब चूंकि जो हमारे पैरामेडिक्स हैं या हमारे बल्कि उनसे भी ज्यादा जो हमारे पेशेंट्स हैं, अब उनको तो नहीं पता इन चीज़ों का, ज्यादातर तो इलिटरेट ही होते हैं. तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम उनको ये सब चीज़ें बताएं, या कम अज़ कम हम अगर उनको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं फॉर सम रीज़न तो हम उनको इसके बारे में ये बताएं भी. हम सिर्फ उसमें नुस्खा लिख के बरी जिम्मा हो जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनको बताएं कि चाहे सिम्टम सही भी हो जाएं, फिर भी आपने ये दवाई 5 दिन खानी है, ताकि उसमें वरना अगली दफा ये दवाई असर नहीं करेगी अगर ये दोबारा ये मसला हुआ तो. ठीक है एक्सक्यूज मी जी जी मैडम, प्लीज आप बता सकती हैं ऑडिट और किस किस टॉपिक पे आ सकते हैं? किसी भी टॉपिक पे आ सकते हैं, वो टॉपिक की तो कोई लिमिट ही नहीं है. ऑडिट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आर्टिकल अप्रेजल भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रोटोकॉल राइटिंग क्लिनिकल रिसर्च का ही चाहे हो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और बाकी पैम्फलेट रीडिंग भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है. मरीज की डिस्चार्ज स्लिप हो सकती है, एंटीनेटल कार्ड हो सकता है, पोस्ट ऑप ऑर्डर हो सकते हैं, एक वार्ड राउंड वाले नोट्स हो सकते हैं, किसी का भी अप्रेजल आ सकता है कि इसमें देखें क्या कमी बेशी क्या है और इसको आप कैसे करेक्ट करेंगे, विच मेथड विल बी द राइट. मैडम, वार्ड राउंड का थोड़ा सा बता देंगी? क्या वार्ड राउंड का बता देंगी, उसमें क्या क्या होगा? देखो वार्ड राउंड में तो ये अभी अभी तो मैंने बताया कि उसमें क्या क्या चीजें देखनी है, सिम्टम पूछने हैं, उसको चेक करना है, उसके बाकी जो हमने एडवाइस करनी है, कोई लैब्स हैं उसमें जो हमने रिव्यू करना है चीजों को वो है, फैमिली को हमने उनके साथ इंटरेक्ट करना है, ये बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, एंटीनेटल वार्ड का भी राउंड ऐसे ही होगा, पोस्ट ऑफ वार्ड का भी राउंड ऐसे ही होगा, पोस्ट नेटल का भी ऐसे ही होगा, उसमें ये सब चीजें आ सकती हैं. ठीक है, फिर हैंडिंग ओवर आप ओवर लेते देते हैं जब अपनी ड्यूटी से जाते हैं या ड्यूटी पे आते हैं, तो वो ओवर कैसे लेना देना, हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर, वो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मसले तो उस टाइम पीरियड पे ट्रांजिट टाइम पीरियड पे हो रहे होते हैं कि पेशेंट फर्ज किया आपने अपनी ड्यूटी में रिसीव किया, आईयूडी हो गई, अब आपको कैसे पता है कि आपने आईयूडी रिसीव किया या आपकी अपनी ड्यूटी में हुआ, क्योंकि आपने तो ओवर लेते हुए उसके फीटल हार्ट सुना ही नहीं. कभी स्टाफों को देखा करो वो कैसे ओवर लेती देती हैं, वो एक एक चीज का जाके राउंड करती हैं, यानी हर जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं वहां भी, जहाँ दवाइयां पड़ी होती हैं वहां पे भी, कि क्या एक एक चीज पूरी है, इसलिए कि अगर उसकी पिछली ड्यूटी वाली की नर्स में कोई चीज गुम हो गई तो उसका इल्जाम उस पर आ जाएगा, तो वो ये नोट कर लेगी अगर कोई चीज कम है तो. ठीक है, तो इसलिए जो है वो ये जो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. फिर इंसिडेंट रिपोर्टिंग होती है, रिस्क मैनेजमेंट है, ये देयर आर सो मैनी थिंग्स, और ये जाहिर है हम ये किसी ना किसी शक्ल में ये चीज़ें प्रैक्टिस कर रही होते हैं अपनी अपने अपने ट्रेनिंग एरिया में या अपने वर्किंग एरिया में, हम कुछ न किसी ना किसी हद तक. और इसका ओवरऑल क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दिस ऑल इज पेशेंट सेंटर्ड, यानी इसका जो फाइनल जो एक सेंटर है ना वो मरीज है. दिस इज पेशेंट सेंटर्ड क्लिनिकल गवर्नेंस, नॉट फिजिशियन सेंटर्ड, यानी इसमें फिजिशियन का कंफर्ट या उसका वो इम्पोर्टेंट नहीं होता. डेफिनेटली उसके कुछ अपने भी राइट्स होते हैं फिजिशियंस के, लेकिन पेशेंट्स को हमेशा सेंटर ऑफ द क्लिनिकल गवर्नेंस बनाया जाता है. और जितनी ज़्यादा ये स्ट्रेटजीज होती हैं ना, आपके हॉस्पिटल में बंदे कितने हैं, प्रोटोकॉल्स हैं या नहीं है, ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा, रिस्क रिडक्शन पॉलिसीज हैं या नहीं है, आपका वेस्ट डिस्पोजल कैसा है, आपकी क्लिनिकल गाइडलाइंस कैसी हैं, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि क्लिनिकल गवर्नेंस का हिस्सा हैं. मरीजों के साथ काउंसलिंग, उनके साथ एटीट्यूड, उनके फैमिलीज के साथ काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये जो है वो सारा कुछ उसमें वो आ जाता है क्लिनिकल गवर्नेंस. ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम बस मैम, कर किसी ने टेड टॉक में लिखा है कि नीड्स क्या होता है, उसका एक ओवरव्यू बता दें छोटा सा. इसका नियर मिस किसी ने लिखा है चैट बॉक्स में कि नियर मिस क्या होता है, उसका थोड़ा ओवरव्यू बता दें. देखो नियर मिस वही है ना, इसका भी ऑडिट तो जरूरी होता है. नियर मिस है जो इसमें हो सकता था मसला लेकिन नहीं हुआ. अब उस हो सकता है मसला का मतलब ये है, इसीलिए उसको नियर मिस कहा जाता है, कि इसमें क्या चीजें थी जो हम इसको इसको बचा सकते थे. जैसे सपोज एक पेशेंट है जो डिलीवर हुआ
और उसके बाद उसको 4 घंटे किसी ने देखा ना, उसका ब्लीडिंग बहुत हैवी हुई, पेशेंट शॉक में चली गई, बट लकीली शी वॉज सर्वाइव्ड, क्योंकि उसको किसी नर्स ने देख लिया, उसका बी वो उस वक्त बीपी लेस थी लेकिन सिर्फ पल्स थी, आपने इमिडिएटली उसको रिससिटेट किया, ये नियर मिस है। आप उसमें ये ऑडिट करोगे कि ये 4 घंटे नेग्लेक्टेड क्यों रही, कोई बंदा उसके पास था या नहीं था, और अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, और इसमें आपका प्रोटोकॉल जो लगा हुआ है वो पोस्ट पोस्ट नेटल केयर के बारे में क्या लगा हुआ है। लेकिन ये है कि ये नियर मिस का होता है, और इसमें उसी तरह से हम ऑडिट करते हैं जैसे हम किसी एक्सपायरी के बात करते हैं या किसी भी मॉर्बिडिटी के बारे में, यानी पेशेंट का वोन्ड सेप्टिक हो गया, पेशेंट ने कंप्लेन कर दी, आप उसका ऑडिट करोगे कि इसमें क्या कोई प्री एग्जिस्टेंट कंडीशन ऐसी तो नहीं थी जिसकी वजह से वो उसको प्री डिस्पोजिशन टू सेप्सिस था। तो ये सारा कुछ ऑडिट में ही आ जाता। तो नियर मिस तो इज मतलब के बस बंदा मरा नहीं है लेकिन वो मर सकता था, ये नियर मिस से कहलाता है। चलो जी, और कोई छोटे छोटे 2-4 टॉपिक जो कि हम अगले, मेरा ख्याल है अब आपका जो वाइवा है वो 9th मई को है शायद, कब है? 9 मई को मैम, मेरा तो 6 मई से स्टार्ट है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो इसमें जो है वो छोटी छोटी चीजें जो हम अगली दफा डिस्कस, मेरा ख्याल है वो फिर लास्ट होगा, मतलब जो हम थोड़ा सा जो आपके जो कुछ हैं कंट्रोवर्शियल एरियाज हैं वो हम उसको कवर कर मैम सकें। एक चीज मैं भी चाह रही थी कि आप नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लें, जो प्रीवियस 1 सिजेरियन या प्रीवियस 2 सिजेरियन या प्रीवियस स्कार वाली जो पेशेंट होती हैं, जिनको हमें टर्मिनेट करना होता है, उस पे जो है 15 मिनट टॉक प्लीज। और उसके अलावा जो भी किसी को अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है तो वो भी बता दे। जैसे आपने आज जो है ना मल्टीपल टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, हाँ वही थैंक ना, यू वो मैम। छोटे छोटे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसपे हम पूरा एक सेशन, एग्जाम से पहले तो यही होता है कंट्रोवर्शियल चीजों को हम डिस्कस कर लें जो ग्रे एरियाज हैं बेसिकली। मैडम सर्वाइकल स्क्रीनिंग बहुत मुश्किल लगता है। सर्वाइकल स्क्रीनिंग, अच्छा चलो ठीक है। और मैम थैंक यू पाकिस्तान मैडम में, मैम जी। हमारे जैसे हमारे कंट्रीज में इसकी स्क्रीनिंग जो न्यू आई है, एक दो जहाँ पे हो, पंजाब साइड तो हो भी रही है, जैसे विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसेटिक एसिड, ये सारी चीजें, हाँ तो वो उनका बेसिकली क्या बेसिकली है? ये वही है ना जो WHO की रिकमेंडेड है कि सी एंड ट्रीट, ठीक है ना, मतलब उसको ज्यादातर तो ये है, लेकिन जो वैसे जो आइडियल है वो है सी ट्रियाज ट्रीट, फिर दूसरे एक चीज है कि सी ट्रियाज स्क्रीन एंड ट्रीट, ठीक है, ये इसमें डिफरेंट पॉलिसीज हैं, बट फॉर अ पॉपुलेशन लाइक लिविंग इन आर कंट्री उसमें जो के आपको ना तो वो दोबारा आते हैं, बस एक दफा तो आएंगे, कोई मसला हो गया उनका गायनी का हमने देखा और उसके बाद हमें पता है कि उसने तो आना ही नहीं है, तो उसमें है सी एंड ट्रीट, यानी देखो वहीं पे ट्रीटमेंट उसको करके भेजो, तो ये है जो के ऐसी पॉपुलेशन के लिए है। हाँ जी मैम एक अस्सलाम वालेकुम मैम, एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपके, लेकिन पिछले लेक्चर से है पिछला हमारा क्या था? अच्छा ठीक है, एमपीडीएस मैम, था ठीक लास्ट से लास्ट लेक्चर पे, नहीं नहीं मैम, लास्ट से लास्ट है। लेक्चर पे जो हाइपोग्नेटोट्रॉफिक पे था मैम, उस पे बेटा वो तो बहुत अगर पुराना था, शायद पता नहीं कब का था, वो तो मेरे ख्याल नहीं है कि मैम ऑनलाइन भी पढ़ा हुआ होगा। मैम नहीं, मैंने सिर्फ उससे ना एक क्वेश्चन सिर्फ पूछना है, हाँ मैंने जी जी सारा बताइए लेक्चर ठीक आपका लाइव लिया था मैम, अगर है। पेशेंट हमारे पास सेम जैसे था, अगर प्राइमरी सब फर्टिलिटी के साथ आ जाए और हम उसका हाइपोग्नेटोट्रॉफिक हाइपोग्नेटिज्म डायग्नोस कर लें, लेकिन उसकी इनफेंटाइल यूट्रस हो स्कैन पे, देखो तो फिर हम जो है उसके हाँ पहले हम उसे वो बिल्ड करेंगे इस्ट्रोजन दे के देखो उसके जो इसमें, हाँ इसमें जी ये है कि जो प्राइमरी वो क्या है, जो हाइपोगोनाडोट्रॉफिक हाइपोगोनाडिज्म है, जी उसमें तो ऊपर से लेके नीचे तक वो नहीं है, जाहिर है उसको ओवरी को स्टिमुलस ही नहीं मिल रहा, ओवरी जी को स्टिमुलस नहीं मिलेगा वो ईस्ट्रोजन नहीं बनाएगी, ईस्ट्रोजन नहीं बनेगी तो यूट्रस ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। तो जी ऐसे पेशेंट्स में हम हमेशा HRT शुरू करते हैं। अब जिन पेशेंट्स में सपोज, अब ये डिपेंड करता है कि उसके सेकेंडरी सेक्स, क्योंकि ये प्राइमरी भी हो सकता है सेकेंडरी भी हो सकता है, अब जिसके तो जी सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स बने हुए हैं उनमें ये करने की जरूरत नहीं है, जी उसमें आप सिंपली यू स्टार्ट विद द HRT क्योंकि ऑलरेडी उसका प्यूबर्टी वाला फंक्शन अकॉम्प्लिश हुआ हुआ है। जी लेकिन अगर फर्ज किया उसके प्यूबर्टी जो मार्कर्स हैं वो नहीं डेवलप, सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स उसके डेवलप नहीं हुए हुए, तो
तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव ये है, पहले उसको पूरा करो. इन दैट केस यू हैव टू गिव ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशन फर्स्ट, जी 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 वो जी आपने उसको ग्रो करना है. उसके साथ साथ अब ईस्ट्रोजन जो है वो ज्यादा यूट्रस पे तो अफेक्ट करेगी ही करेगी. एंड वेन द एंडोमेट्रियल थिकनेस हैज बीन अचीव्ड अप टू अ डेफिनेट एक स्टेज जिसपे तकरीबन 5 to 6 millimeter हो जाए, और वेन द ब्रेस्ट हैज डेवलप्ड अप टू मिनिमम टू स्टेज 10 or stage 3, तो तब आप उसको कंबाइन करते हो विद द प्रोजेस्टोजन. बस इसका सिंपल सा रूल ये है. और बाकी प्राइमरी इनफर्टिलिटी अगर है और वो उसका उसको बेस इसी पे ही करना है, क्योंकि फिर फर्टिलिटी के लिए जी जी तो मैडम अगर मतलब हाँ जी ठीक है जी मैडम मतलब पहले हम सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर उसके बिल्ड करेंगे, उसके यूट्रस का जी, साइज अटेन करेंगे, फिर उसके हम ऊपर उसे आप बेस ट्रीटमेंट करोगे, देंगे. उसके ऊपर आप बेस करोगे. ठीक है जी थैंक यू चलिए, सो मच मेरा ख्याल है आज की क्लास खत्म करते हैं, काफी लंबी हो गई. मैम. हाँ जी मैम मैम एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे. क्या. एक्सक्यूज मी मैडम. हाँ मैडम जी ये अब ना ये स्टैटिस्टिक्स का जो है टॉपिक है ना, ये हमारे रूटीन में तो वैसे यानी कि ना ट्रेनिंग में ना वैसे विवाद में होता है. इसकी थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी कि अगर हमें थोड़ा सा इसका भी अब पता हो कि ये टॉपिक्स हो सकते हैं डेली. एक मैडम सॉरी टू से नया टॉपिक के बारे में होता है कि ये भी आ सकता है, देखो थोड़ी सी रिसर्च अगर हमें आइडिया में हो ना, रिसर्च क्योंकि में जो ये है तो अब ना हमने फोर्थ ईयर में पढ़ा था, क्या तो चीज थोड़ा सा अगर वो हो. ये नहीं हाँ मैं स्टैटिस्टिक्स आपके फॉरम से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हाँ जी स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा हमें बताया जाए कि इसमें क्या क्या चीजें, जिस तरह हमें गायनी का सिलेबस है इस तरह लिमिट्स तो कोई नहीं है उसकी भी, लेकिन इसका जरा क्योंकि ये बिल्कुल आउट ऑफ वे नहीं, और लेकिन बिल्कुल देखो आउट ऑफ टच होता है. स्टैटिस्टिक जो है ना वो एक बड़ा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम चीज है, उसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. अब ये जो हमने पिछली दफा भी पढ़ा था MPTSR एंड वो अनमेट नीड वगैरह, ये भी तो स्टैटिस्टिक्स ही हैं, ये भी वही चीजें हैं ऑलमोस्ट. मैम इस टाइम लेकिन पे ना वॉट आप ये हेल्प्स इन स्टैटिस्टिक्स टू एग्जाम से मॉडल, 2 हफ्ते पहले तो ऐसी चीजें समझ भी नहीं आती हैं. नहीं वो वैसे समझना बेटा इतना मुश्किल काम भी नहीं है. और दूसरी बात ये कि देखो ये जो MPTSR वाली हम चीजें जो डिस्कस कर रहे थे, ये तो वैसे तकरीबन हो ही रही होती हैं. ठीक है हम उसको चाहे उस हेडिंग के अंडर ना कर रहे हों, लेकिन उसको हम इन अ वे सम, जैसे हमने अभी आज की जो बात की है इसका सिजेरियन सेक्शन वाला सारा जो ये रॉबसन क्लासिफिकेशन है, तो हम ये हर डिपार्टमेंट में, हर टीचिंग हॉस्पिटल के टीचिंग डिपार्टमेंट में ये चीजें रिव्यू हो रही होती हैं, ऑडिट रिव्यू हो रहा होता है. यानी हम अपने आप को रिव्यू कर रहे होते हैं कि हमने इतने सिजेरियन इस वजह से किए, इतने सिजेरियन इस वजह से की, और ये मंथली होता है. तो ये तकरीबन वही चीज है, लेकिन बस हम उसको क्लासिफाई नहीं कर रहे होते, तो उसको फिर उस पर्सपेक्टिव में समझना वैसे मुश्किल बात तो नहीं है. लेकिन एनीवे ठीक है, अब स्टैटिस्टिक में व्हाट स्पेसिफिकली यू वांट टू सी, मतलब क्या उसमें क्या समझना चाहते हैं, क्योंकि ये तो बहुत वाइड सब्जेक्ट है ना. अब तो एग्जाम से तो पहले अब एक ही वीकेंड रह गया. नहीं, इसमें ये नहीं कि अब वो हाँ जी इस वो ही मैं कहना चाह रही हूँ कि इसमें फिर वो 1 वीक पहले यानी कि अब लास्ट टाइम ना एक वो भी स्टेशन था जिसमें ना सच किसी पेशेंट को ये ऑडिट नहीं था, उसमें सिर्फ टाइप्स ऑफ स्टडीज और उसके हाउ टू डू और वो सारा उस स्टडी और वो सारा उस टॉपिक की डिटेल पूछी हुई थी. हाँ, यानी डिफरेंट स्टडीज थी थोड़ा सा यानी और कि अच्छा और ठीक है, इसके अलावा हाउ टू और डू स्टडी, रैंडमाइज अच्छा कैलकुलेशंस हाउ और टू डू सारा वो स्टडी, ब्यास स्टडीज, उनकी डेफिनेशंस और ये मतलब ये बेसिकली ये और वही है ना, वो जैसे हाँ स्टडी जी डेफिनेशन इनकी डेफिनेशंस पूछी और वो सब. ऑफ व्हाट. देखो अब ये जो ये है ना डिफरेंट ये स्टडी आप टाइप क्वासी एक्सपेरिमेंटल रैंडमाइज और इसकी स्टडी, हाँ ठीक डिटेल्स. है ये वैसे लेक्चर लिया हुआ है मैंने, ये आपको शायद यूट्यूब में मिल जाए, ब्रांड साहब से पूछ लीजिएगा, पूरा जी जी मैम है डिटेल में ये लिया हुआ है. ठीक ठीक है तो वो उसको, क्योंकि ये अच्छा पूरा ठीक है एक जो है ना एक पूरे सेशन वाली एक ये चीज है, उसमें सारा कुछ जो है ना वो पूरा एक्सप्लेन किया था, उसमें टाइप ऑफ स्टडीज क्या होती हैं, उसमें किस स्टडी की क्या सिग्निफिकेंस है या उसकी वेटेज क्या है, ये सारा कुछ हमने कवर किया हुआ है. ठीक है अलबत्ता ये आपको पता होना अच्छा ठीक है चाहिए ठीक है ये, मैडम ठीक थैंक यू. है चलो मैम जी. डोमेस्टिक वायोलेंस की पेशेंट के साथ थोड़ा जो डीलिंग है वो 5 मिनट नेक्स्ट टाइम वो भी ओवरव्यू बता दें. अगली दफा के लिए डीलिंग सवाल मीन्स जमा मैनेजमेंट, होंगे. मैनेजमेंट मैम. फिर 2 लेक्चर अगर आप ले लें अगर एग्जाम से पहले प्लीज तो कैसे मैम होंगे, अगर टाइम निकाल के, तो मीन्स कैसे मैम किसी होंगे, और तो दिन के
कोई टाइम, अगर जो आपको अगर टाइम है तो। नहीं, ये हो सकता है कि वो फिर आपको इमरान साहब ही वैसे सही फाइनल इसमें वो बताएंगे। ये तो हो सकता है कि हम वो सेशन लंबा कर दें, लेकिन दो लेना शायद पॉसिबल ना हो। ठीक है मैम, बाकी दिन तो मैं जरा मतलब होती हूँ ना अपने वर्क एरिया पे। ठीक है, चलो जी, अब इसको आज हम क्लास को बंद करते हैं। ठीक है, ओके, मैं जजाकअल्लाह। ट्रेनिंग मैंने करना है। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू मैडम।